आंख खोले तो जन्म, आंख बंद करे तो मौत। यह जिंदगी और मौत एक खेल है जिससे कोई जीत नहीं सकता है। ए इंसान, जिंदगी में जो मेहनत करके धन दौलत कमाई है वो तेरी नहीं है रे। जो अच्छा बुरा काम तूने किया है वही तेरे साथ रहता है। तू अच्छी तरह जानता है कि तुझे सिर्फ चार लोगों की जरूरत है। इसलिए ये नफरत, अहंकार, घमंड छोड़कर हमेशा के लिए सो जा। क्या कितनी भी भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन भूला नहीं पाता हूँ तुम्हारी यादें। इतने लोगों के होने के बाद भी अकेले जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं दारू ठीक टाइम पर ना पीऊं तो शरीर के अंदर एक अजीब सी झनझनाहट पैदा हो जाती है। अरे इस अप्पू सिंह को दारू लेने भेजा था, कहां मर गया ये? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, कहां रह गया ये अप्पू सिंह? अरे दारू के दीवाने, तू जब बॉटल में रहता है तब तक ठीक रहता है, पर शरीर के अंदर जाकर अपना खेल दिखाने लगता है। तुम्हारे बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है। शैंपेन क्वार्टर, हाफ और फुल, इन चार नामों से तू दुनिया में फेमस हो गया है। तुझे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आजा आजा बेटा। श्रीमन खंड ब्रह्मांड व्यापी, हमारी पार्टी में तेरे बिना कोई चारा नहीं। तेरी सेवा करने वाले ड्राइवर लोग, मिस्त्री लोग, मास्टर लोग, नौकर लोग, साहूकार लोग, कोई भेदभाव नहीं रखते, सभी इसका सेवन करते हैं। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी आ जाना। नमस्ते नमः। गुरु, कब से आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ पूछो। मैं देखता आ रहा हूँ कि आपके मन में कोई तकलीफ है और आप उसको सहते आ रहे हैं। गुरु ये कैसी हवा है? टीवी में कोई तूफान के बारे में बताया है? अरे अप्पू, हाँ? टीवी में तूफान आने की बात बोली नहीं ना, अगर इतना भी तुझे पता नहीं है तो तू कैसे जिएगा बोल। गुरु मुझे ये सब चीजों का क्या पता, अगर मुझे पता होता तो आप ये बताइए मैं यहाँ काम कर रहा होता? तू ये उल्टी सीधे बातें मत किया कर, दिमाग खराब हो जाता है। अरे देश पर राज करने वाले हरिश्चंद्र जी ने भी यहाँ पर काम किया था। क्या बात है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, हाँ, या मुख्यमंत्री हो, या जिला कलेक्टर हो, गरीब हो या अमीर हो, हाँ, सबको एक ना एक दिन यहाँ, हाँ, जरूर आना पड़ता है। वैसे यहाँ पर जो भी घटना घटती है वो सब कुछ उस रानी की आत्मा की वजह से होती है। चुप बैठ, तू राजा के बंगले की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। वो राजा साहब की पोती रानी, हाँ, जी ने आत्महत्या बहुत पहले ही कर ली थी। उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है, ऐसा मुझे किसी ने कहा था। गुरु आपको यहाँ पर अभी कुछ दिखाई दिया? अरे पागल कहीं के, इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रहा है दारू और मैं, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर घटने वाली घटनाओं की वजह कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर।
भैया हम लोगों पर कोई तकलीफ ना है इसलिए इसे भगवान के चरणों में चढ़ा दो। हाँ दो। तू रहने दे, पापा को करने दे। भैया क्यों नहीं कर सकते? अरे तेरे पापा यहीं पर काम करते हैं ना, यहाँ पर भूत प्रेत घूमते रहते हैं, इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए इसलिए। अरे क्या बात कर रही हो, उनको कोई तकलीफ आएगी ना तो भूतों की वजह से नहीं इंसानों की वजह से ही आएगी। इन चीजों से भगवान हमको दूर रखे, इसीलिए हम मन्नत मांगने आए हैं। क्या हमारे आसपास भूत प्रेत घूमते रहते हैं माँ? अरे तुम जैसी भूतनी के आसपास आएंगे तो उनके लिए खतरा होगा। देखो ना माँ, भैया भूतों पर रिसर्च कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक समझ रहे हैं। ये सब कुछ तेरे लिए ही कर रहे हैं, अपना खुद का घर भाड़े पर देकर यहाँ पर टेम्पररी रह रहे हैं ये। अच्छा, नारियल देना बेटा, ये लीजिए चढ़ा दीजिए। मतलब तोड़ना पड़ेगा? हाँ जरूरी है, बॉस ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ, तुम सब इस तरह क्यों घूर रहे हो? ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया है। अरे भाई नारियल अंदर से सड़ा हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। और ये दीपक भी बुझ गया। अरे तो क्या हो गया, भूत आया था और दीपक बुझाकर चला गया, हवा चली और दीपक बुझ गया, समझी? चलो चलो चलो, ये प्रसाद स्वामी जी को दे दो। क्या हुआ स्वामी जी, आपको केला पसंद नहीं है क्या? केला खाने से आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। मुसीबत तुझ पर आएगी, मुझ पर नहीं। अच्छा, तेरे हाथ से जो लेगा वो खत्म हो जाएगा। क्या 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 कहा, मेरे हाथ से जो लेगा वो खत्म हो जाएगा? ऐसी बात करोगे तुम? जुबान संभाल कर बात करो, आने वाली अमावस्या को तेरी गुरु महादशा चली जाएगी, शनि दशा शुरू हो जाएगी और इस शनि दशा में तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुंचने वाली है। ओहो, सच में स्वामी जी? ए मुंह बंद कर, अगर इन्हें सब कुछ पता होता तो ये पेड़ के नीचे क्यों बैठते? चलो चलो। ठहरो, अगर मेरी बात झूठ निकली तो इस केले को तोड़ कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तोड़ के दिखाता हूँ। ऐसे जादू मैंने बहुत देखे हैं। ए, चलो। स्वामी जी मुझे अब आगे क्या करना है ये तो बताइए ना। ये अंजनी जी की भभूति और ताबीज है, ये श्री राम रक्षा है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। जय वीर हनुमान। धन्यवाद स्वामी जी। सब कुशल मंगल हो। जय श्री राम। क्या हुआ आपको? ओह ये तो कीड़ा है, ये कुछ नहीं करेगा, आप डरिए मत, बस ऐसे ही खड़ी रहिए। कोई लकड़ी चाहिए। हिलना मत हाँ। चलिए कीड़ा निकल गया, अब आप फ्री हो गई हैं। ओह माय गॉड। वैसे आप कौन हैं और ये पत्ते क्यों चुन रही हैं? मेरा नाम सपना है, बोटैनिकल स्टूडेंट हूँ मैं, यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ। पास में मेरी आंटी का घर है, उन्हीं के यहाँ रहती हूँ। ओह तो आप यहीं रहती हो? मैंने 10th पूरा होने के बाद हैदराबाद में फ्री सीट मिलने के बाद वहीं डिग्री पूरी की और फिलहाल यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं। वो बाय द वे आई एम सूर्या, हाय। वैसे आप क्या करते हैं? दुनिया में भूत होते हैं या नहीं मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ। एक डाउट है, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए ना। भूत सच में होते हैं क्या? इस सवाल का जवाब तो उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा। आगे से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, मुझे डर लगता है। अच्छा आपको जो पत्ते चाहिए थे वो सारे मिल गए? हाँ थोड़ी सी वैरायटीज मिल गई हैं, पर कुछ और मिल जाती तो। वहाँ लाइब्रेरी के सामने आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, जब मैं शाम को आपके घर आऊंगा तो वहाँ लेकर आता हूँ। रियली थैंक यू। वैसे पत्तों के साथ कुछ कीड़े भी लेकर आऊँ क्या? क्या सूर्या जी आप जानते हैं कि मुझे कीड़ों से डर लगता है। हम प्यार करें या न करें वो अरे रे 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 ये क्या है, ये तो अपने प्रसाद जैसा लग रहा है। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और ये दीवार को गंदा कर रहा है। अरे वो महान आटकी है प्रसाद जी, बहुत कर लिया, थोड़ा मेरी ओर पलट जाओ। तेरी तो कितनी बार बोलूं मेरा नाम प्रसाद नहीं है, वेंकट भी बदल दिया है, कॉल मी प्रा। ये क्या बात हुई, जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे तो याद है? ओए अरे ओ सुन यार कहकर बुलाते थे। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर क्या तुम आसमान पर चढ़ गए हो? जो तुमसे गुलाम बनकर बात करूं, पागल जैसी बातें मत करो। बस बस नाटक बंद कर और मुद्दे पर आ जा। चल एक बात बता, पिछली बार जब तू मिला था तब तुमने बताया था कि फिल्म में हीरोइन के भाई का रोल मिला है तुझे, और फिर इसीलिए मैंने ब्लैक में टिकट लेकर 3 बार वो फिल्म देखी थी, लेकिन तू उसने मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। एक बात बता,
तूने मेरी टिकट ब्लैक में क्यों खरीदी थी? बोल मेरा प्यार यार। ओह आई लाइक इट। उस फिल्म में उसकी जो बहन है वो डिप्रेशन में रहती है और उसका भाई ये देख नहीं पाता है और इसी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है, याद है तुझे? अरे उस फिल्म में मेरा अभिनय देखकर सब लोग बोल रहे थे कि फिल्म फेयर अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन उस फिल्म में तो तू कहीं नजर आया नहीं मुझे, सिर्फ तेरी वो दो पतली पतली टांगे नजर आ रही थी। सीनियर जूनियर से जलते ही हैं और इसीलिए उन्होंने मेरा रोल कटवा दिया। बहुत बुरा खेल खेला। अरे तू है किस खेत की मूली, तेरे साथ भला कौन खेलेगा? देख मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, ये बात लीक मत करना। अरे नहीं करूंगा, बोल। मेरी जिंदगी की वाट लगाई हीरो ने। यस, फिल्म में मेरा रोल हीरो से बड़ा था और ये बात हीरो को फील हो गई। हाँ, और उसे डर लग गया। सब लोगों ने मुझे देखकर तालियां बजाई, मेरी एक्टिंग देखकर सब खुश हो गए। ये देखकर हीरो को जलन हो गई, उसे लगा कि फिल्म फेयर अवार्ड मुझे ही मिलेगा। फिर वो डायरेक्टर से मिला, फिर कैंची चला चला के फिल्म से मुझे एडिट ही करवा दिया, इसलिए फिल्म में पैर ही बचा। जो भी किया उसने अच्छा काम किया है। अरे तूने बोला था कि वो राजमौली तेरा जिगरी दोस्त है और बाहुबली में वो तुझे रनिंग रोल देने वाला है। मैंने तेरे लिए वो फिल्म 5 बार देखी है पर तू कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा एक बात बता, तू मुझे, तू मेरा फ्रेंड है या फिर फैन है? तूने बाहुबली देखी? उसमें महायुद्ध देखा? यस। देखा था या नहीं? अरे बोल तो रहा हूँ, देखा ना। उस महायुद्ध में 15वीं लाइन में तीसरा मैं ही था। फिर बाद में बोला कि तेरा फ्यूचर अच्छा है, अगली फिल्म में बड़ा कैरेक्टर देगा। तो युद्ध में तूने सैनिक का कैरेक्टर किया था? पर कहा तो था रनिंग कैरेक्टर है। अरे तलवार लेके दौड़ तो रहा था, उसको ही कहते हैं रनिंग कैरेक्टर। जस्ट अ मिनट। हाँ बोलिए गुरुजी। लाश आ गई है? ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाद में मिलते हैं। अरे रुको ना। हाँ मुझे जाना है। कहानी तो अरे बाद में मिलते हैं, बहुत जरूरी काम आ गया। तुम छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। रुक। दोबारा मिलना। मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा। ये घड़ी आज इतनी स्लो क्यों चल रही है? शाम 7 बजे तक सपना से मिलना है मुझे। बेटा सूर्या अपनी घड़ी ना 1.25 घंटा लेट चल रही है, जरा ठीक कर दो बेटा। अच्छा मतलब मेरे जाने का वक्त जल्दी ही आने वाला है। तुम कितनी खूबसूरत हो सपना, इतनी खूबसूरती मैंने आज तक कभी नहीं देखी। दिल करता है कि उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। सूर्या, ए सूर्या, क्या सोच रहे हो बेटा? ये लो चाय पियो। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझको है जब से तू मिला, दिल को सुकून मिला। भैया भैया, कितनी बार बुलाया आप सुनते ही नहीं हो। और ये क्या छोटे बच्चों की तरह चाय गिरा ली? ये तो मैंने जानबूझकर गिराई है। अच्छा बता सकते हो क्यों? दरअसल ये भी मेरे रिसर्च का हिस्सा है। तू बोलेगा तो मतलब मैं मान लूंगी, इतनी भी बेवकूफ नहीं है तेरी ये बहन, समझा? तू जाकर पढ़ाई कर, तेरा एग्जाम आने वाला है। अरे बाप रे, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और मुझे पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। अरे जब तू अपनी चैटिंग और ये टीवी देखना बंद करेगी तभी तो तुझे टाइम मिलेगा ना। चलो जाकर पढ़ाई कर। शादी होने के बाद ना तू ये सब अपनी बीवी को बोलना, समझा? टीवी मत देख, चैटिंग मत कर, जाकर पढ़ाई कर जा। यहाँ एक तो टाइम बीत नहीं रहा है और इसको टाइम नहीं मिल रहा है। हाय। हाय। ओह आपका ही वेट कर रही थी मैं, आपके लिए लेकर आया हूँ। वेलकम आंटी। सूर्या, मैंने बताया था ना सुबह गार्डन में मिले थे। सूर्या माय आंटी सुधा रानी। हेलो। हाय आंटी। आंटी की बेटी। वंडरफुल फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा डांस किया बेबी ने। हाँ हाँ ये बदमाशियाँ भी बहुत करती है। बेटा भैया को हाय बोलो। हाय भैया। हाय। आप ही हो ना जो भूतों पर रिसर्च कर रहे हो? अरे आपने सबको बता दिया क्या? हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होते, हम सब ओपनली बात करते हैं। भैया आप अपनी नाक को जीभ से टच करके देखिए। वो क्यों बेटा? इसे इस तरह की शर्त लगाने की आदत है, इस तरह से हर किसी से शर्त नहीं लगाते बेटा। अरे कोई बात नहीं आंटी, तुम बोलो ना बेबी। अगर आपने अपनी नाक को जीभ से टच कर लिया तो जो सोचेंगे अच्छा होगा, एक बार ट्राई तो करके देखिए। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो क्या सच में सपना मुझे मिल जाएगी? ओहो आप तो कर ही नहीं पाए। मैं क्या कोई भी अपनी जीभ नाक से टच नहीं कर सकता? किसी और की बात मत करो, मैं कर सकती हूँ। ए तू अपनी फालतू की नौटंकी बंद कर, समझी? जाकर भैया के लिए जूस लेकर आ। गो, गो, गो। रोज रोज इसके नाटक बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे आंटी बच्चे शैतानी तो करेंगे ही ना, रामायण थोड़ी ना लिखेंगे। ये क्या ब्लड जैसा लग रहा है?
ये क्या है ग्लास में जो ब्लड जैसा लग रहा है? ये ब्लड नहीं है, ग्रेप जूस है। अभी तो खून लग रहा था, ग्रेप जूस कैसे होगा? ये क्या, ग्रेप जूस को तुम ब्लड क्यों समझ रहे हो? प्योर ग्रेप जूस है ये, पी के देखो। अरे नहीं बेबी, तुम ही पी जाओ, तुम ही पी लो। अरे पियो ना। सॉरी आंटी, आज मेरा उपवास है इसलिए नहीं पीऊंगा। बेबी डांस करके थक गई होगी, तो बेबी तुम पी जाओ ना। कोई बात नहीं, तुम पी लो। अरे मेरे पत्ते खराब हो जाएंगे, आई विल जस्ट बी बैक। बेटा हा? मुझे थोड़ा अंदर काम करना है, तुम इससे बातें करो, मैं आती हूँ। ए भैया को ज्यादा परेशान मत करना, समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे ये क्या बेबी, मुंह से ब्लड आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है बेबी? मैं ना गुड़िया जैसी दिखती हूँ, इसीलिए सब मुझे गुड़िया के नाम बुलाते हैं। हेलो सूर्या, मैं राजू बात कर रहा हूँ। हाँ बोलना यार। अरे तूने बोला था शाम को फोन करेगा, फोन नहीं किया। उस लड़की से मिला क्या, वो पट गई क्या? अरे यार लड़की की तरफ से तो सब ओके है, लेकिन वहाँ पर एक 16 साल की बच्ची है, वो मेरी समझ में नहीं आई। देख भाई, प्यार के मामले में मैं तेरा सीनियर हूँ, मेरी सलाह मान और प्यार कर ले। जिंदा बच्चा है या मर गया है, देखते हैं। बेटा रो मत मेरे बेटे। अरे हमारे रोने से जाने वाले वापस थोड़े ना आ जाते हैं बेटा। तुम्हारा दुख देखकर लगता है सारे ट्रेजेडी किंग्स जो है तुम्हारे दुख के सामने बिल्कुल फेल हो गए हैं। ऐसा दुख आज तक किसी को नहीं आया होगा। अरे तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? व्हाट आर यू टॉकिंग। अरे छोटे बच्चे से लेकर भूत तक सभी लोग आपको अच्छे से जानते हैं। यू आर द ग्रेट डायरेक्टर श्याम गोपाल शर्मा जी। अरे जब हमारा बेटा रात में सुसु नहीं करता है ना, तो मैं आपकी फोटो दिखाता हूँ और वो सुसु कर लेता है। इसलिए मैं सेफ्टी के लिए हमेशा आपकी फोटो अपनी जेब में रखता हूँ। भाई कभी कभी हम लोग आपको टीवी में भी देख लेते हैं। अरे तू है कौन? है? कौन है? मैं कौन हूँ तुम ये पूछ रहे हो? है? इस एंटायर के एंटायर शमशान का जो राजा है ना, मैं उसका चमचा हूँ और मेरा नाम अप्पू है। नाइस मीटिंग यू। मैं यहाँ क्यों आया हूँ पता तुम्हें? भूतों की फिल्में बना 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 के तंग आ चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट यहाँ आ गया। भूतों के ऊपर रिसर्च करके एक सच्ची कहानी बनाना चाहता हूँ। समझा कितना मुश्किल काम है? अरे सच में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्या बोला तुमने? कुछ क्या नहीं। क्या बोला अरे तुमने? कुछ नहीं बोला मैंने। एक सच्ची बात बताऊं क्या? बोलिए। जब किसी की लाश जलती है तो धम से उसकी आत्मा निकल जाती है, सर बम की तरह फट जाता है, पैर की हड्डियां टूट जाती है, पत्ती सी झड़ जाती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। पहले स्टडी करो, कहानी फाइल करो, उसके बाद शूटिंग करो, तब जाके ये फिल्म बनती है, बनाने में सूसू निकल जाती है। अच्छा एक बात बता, इस शमशान में तेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन वनेक्शन है क्या? भाई तब से मैं आपको एक अच्छा इंसान समझ रहा था, आप पागल हैं। तुझे लगता है मैं पागल हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम है? देखो मेरे भाई, दुनिया में हर जगह फायदा नुकसान होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ मुनाफा होता वो कैसे? है वो ऐसे है, कोल्ड ड्रिंक का एक सीजन होता है, शादी का भी एक सीजन होता है, लेकिन मौत के लिए कोई सीजन या रीजन होता है क्या बताऊँ? अप्पू भाई तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं तो कुछ सुनाई दिया क्या? अरे यहाँ पर ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है, बस आपको बस फील होता है। मतलब मैं फील कर रहा हूँ? एग्जैक्टली exactly. पीछे से कोई आकार आता हुआ नजर आ रहा है, जरा पीछे मुड़कर देखो। मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ऐसे सीन क्रिएट करता हूँ, देखता नहीं हूँ। यहाँ से निकलने में ही भलाई है, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। भूतों की फिल्म बनाकर लोगों को डराते हो और खुद डर रहे हो? अरे फिल्मों के भूत आदमी होते, वो कोई आत्मा नहीं होती। मैं सच में भूत नहीं दे सकता, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा अप्पू भाई। अरे भाई तुम यहाँ आ गए? तो और क्या समझा आपने, भूत समझ लिया? ये कौन है जो डायरेक्टर की तरह लग रहा है? डायरेक्टर ही। अच्छा तो आप यहाँ डायरेक्टर को कहानी सुना रहे हो क्या? देखो मेरे भाई, रात को अकेले घूमना नहीं चाहिए, रानी साहिबा की आत्मा भटकती रहती है, बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी समझ लो। वही सब तो मैं यहाँ पर देखने आया हूँ। हैं? जाकर तुम अपना काम करो, रानी की आत्मा है गधा। बेटा सूर्या, जरा सुनो तो। अरे बेटा क्या बात है माँ? जब तू लाइब्रेरी से लौटेगा हाँ? तो अपनी कजन ऐश्वर्या को लेकर आना, उसकी तबीयत बहुत खराब है। ओ अच्छा, क्या हुआ उसे? तुम्हें पता तो है ना उसके बारे में,
तेरे बड़े मामा मामी की मौत के बाद ऐश्वर्या को संभालने की जिम्मेदारी छोटे मामा को दी थी और इस साल वो पूरे 18 साल की हो जाएगी। उसकी जायदाद पाने के लिए वो लोग उस पर जादू टोने करके उस बेचारी को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे हमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। हमारे अलावा ऐश्वर्या का और यहाँ है ही कौन बेटा। अगर इसी तरह सब कुछ ठीक रहा तो वही एक दिन हमारे घर की बहू बनेगी। वो हमारे घर की बहू क्यों बनेगी, सपना बनेगी। माँ को सपना के बारे में बता दूँ? नहीं नहीं, उसके लिए अभी सही वक्त नहीं है। तू क्या सोच रहा है बेटा, जाएगा या नहीं? हाँ मैं जा रहा हूँ ना माँ, जा रहा हूँ। तो फिर जा। चलता हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, अचानक आ गए? इसी रास्ते से कॉलेज जा रहा था तो आ गया। आ जाओ। वो क्या है, कल बेबी ने बहुत ही अच्छा डांस किया था ना, तो सोचा कॉलेज जाते समय उसको चॉकलेट देते हुए चला जाऊं। मतलब तुम वेनिला के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं आए? वेनिला? ऐसा तो नहीं बोल सकता था। हाँ बोलो तो हाँ बोल सकता हूँ, उसमें क्या है। चलो आओ। आंटी देखिए, ये वेनिला के लिए चॉकलेट लेकर आया है। बैठो बेटा। तुम्हारी इसी चॉकलेट की वजह से उसे बुखार हो गया है, उसकी वजह से स्कूल भी नहीं गई वो। अच्छा, कल तो उसने पूरे घर को सर पर उठाकर रखा हुआ था और पता नहीं आज किसी नजर लग गई। क्या मैं एक बार उसे देख कर आ सकता हूँ? हाँ हाँ जाओ। वेनिला। हाँ क्या हुआ, चॉकलेट दिए बिना ही वापस आ गए? सब ठीक तो है ना, पसीना क्यों आ रहा है? मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? ओके। आंटी क्या बात है, वेनिला अपनी जबान बाहर निकाल रही थी। अरे वो एक स्पेशल बबल गम है, जितना चाहे उसे खींच सकते हैं। ये लो पानी पियो। अच्छा बबल गम था, मैं अभी यही सोच रहा था। ठीक है मैं वापस मिल के आता हूँ। बेबी। वेनिला। बेबी वेनिला। सूर्या क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों, क्या किया तूने? भैया आप मुझे देखकर डर क्यों गए? क्या बात है वेनिला, भैया चॉकलेट देने आए थे तुझे और तू इन्हें डरा रही? कोई बात नहीं आंटी, बच्चे हैं तो इतनी शरारत तो करेंगी। बेटी वेनिला कोई बात नहीं। बेटा तुम चिंता मत करो, बैठो ना। ये तुम्हारे लिए चॉकलेट, तबीयत ठीक होने के बाद खा लेना। अरे बेटा सूर्या बैठो। तुम अपनी जबान से बबल गम बाहर निकाल रही थी ना, वो कोई स्पेशल बबल गम है? नहीं भैया मैं वैसी चीजें कभी नहीं खाती। तो फिर तुम बबल गम क्यों खींच रही थी? वो बबल गम नहीं थी, मेरी जीभ थी। मैं कितना भी खींच सकती हूँ, आप कहें तो मैं फिर से खींच के दिखाती हूँ। नहीं नहीं ओके। एक नंबर की शैतान। ठीक है मैं चलता हूँ आंटी। अरे ओ ग्रेट प्रसाद जी, ग्रेट नाटकीय सम्राट, जरा इधर आइए। ये काम कम करता और फेंकता ज्यादा है। सुन बे कालिए, आज मैं एक्टर नहीं हूँ, को डायरेक्टर हूँ। सर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, डायरेक्टर बड़ा होता है या को डायरेक्टर बड़ा होता है? मुझे मालूम था तू यही पूछेगा, चलो बता देता हूँ। डायरेक्टर में कितने अक्षर होते हैं? डायरेक्टर 4 अक्षर। को डायरेक्टर में एक और मिला दो तो 5 होते हैं। बड़ा कौन? को डायरेक्टर बड़ा हुआ तब तो। ओहो तो फिर लोकेशन वगैरह की जो सलाह देता है वो को डायरेक्टर होता है? नो 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 नो, लोकेशन की सलाह डायरेक्टर देता है और डायरेक्टर को सलाह देता है को डायरेक्टर। अच्छा ये बताओ तुम काम करना भी जानते हो या सिर्फ बकवास ही करते रहते हो दिन भर? अच्छा चल तेरा भरम दूर कर देता हूँ,
वी विनायक, राजा मौली, पूरी जगन्नाथ, इनका को डायरेक्टर बनने के लिए, इनको सलाह देने के लिए सारे प्रोड्यूसर्स मुझे ही फोर्स कर रहे हैं। तो फिर तुमने क्या बोला उनको? नो बोल दिया। क्योंकि अगर गलती से मैंने हाँ बोल दिया और इस बीच अगर कोई बड़ा काम मेरे पास आ गया तो ना बोलना पड़ेगा, इसलिए तुम हाँ बोलो या ना बोलो कुछ भी नहीं उखाड़ लेने वाले हो। इस वक्त छोटे की परीक्षा है। अच्छा, वो पढ़ाई कर रहा है MBBS या BTEC? ए, तू बीच में बोलने वाला कौन है? आप तो बड़े आदमी है, बोली बोली। मेरा बेटा तीसरी में पढ़ रहा है, थर्ड क्लास। एक दिन तुम खुद देखोगे, बड़ा होकर वो राजमौली और विनायक बन जाएगा। सुन बे प्रसाद, आज तक तू कभी श्याम गोपाल शर्मा डायरेक्टर से मिला है क्या, जो बड़ी बड़ी हॉरर फिल्में बनाते हैं? क्या तुमने कभी उनको सलाह वगैरह दी है क्या? श्याम गोपाल शर्मा दी हॉरर डायरेक्टर, उसे पूछो उसे सिखाने वाला कौन है। वो मैं ही हूँ। कैमरा कहाँ कहाँ रखना है, शॉट किस तरह लेना है, चेजिंग कैसे करना है, कार के पहिए का टाइट क्लोज कैसे लेना है, जिमी जिप से, ट्रॉली से, हेलीकॉप्टर शॉट से, गोली लगने पर इफेक्ट का शॉट कैसे देना है, ये सब मैंने ही सिखाया है। अगर मैं नहीं तो वो डायरेक्टर नहीं, इंटरव्यू लोगे तो मेरे बारे में ही बोलेगा। अच्छा एक बात बता, तू सवाल पूछ रहा है और चेहरा छुपा रहा है, वैसे वॉचमैन की औलाद तू है कौन? मैं हूँ श्याम गोपाल शर्मा, मुझे लोग डायरेक्टर कहते हैं। सर, मैं आपका को डायरेक्टर कैसे हो सकता हूँ, आप तो बहुत महान हो सर। इस अप्पू ने मुझे उकसा दिया, इसलिए मुंह में जो आया वो सब बक दिया सर, गलती हो गई सर। मैं आपको कैसे सिखा क्या सकता हूँ सर? को डायरेक्टर जी, उनके पैर पकड़ कर हाथ जोड़ लिए तुमने। गलती हो गई सर, मेरे बारे में बकवास करता है। फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, फाइनेंसर बर्बाद हो जाते हैं। अरे अब्बू भाई, तू मुझे पसंद आया। कार के पीछे जो कैमरा बंधा होता है ना, उसी कैमरे से तेरी भी शूटिंग करूंगा। मेरा पक्का है ना उसमें? तेरे थोपड़े को देखते ही मैंने सिलेक्ट कर लिया। श्याम गोपाल शर्मा। अरे ऐश्वर्या, बेटी ऐश्वर्या उठ, मुझे अभी नींद आ रही है, थोड़ा सोने दो ना मामी प्लीज। अरे बेटा, पूजा होने के बाद उसके बाद आराम से सो लेना, पहले जाकर नहा कर आ जाओ। मामा, कितने दिनों तक आपकी पूजा चलेगी? अरे हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो तेरे ठीक होने के लिए कर रहे हैं ना। अरे वो चंद्रमुखी तेरे माँ बाप के गुस्से से आत्मा बन गई है, इसीलिए बस से उसने तेरे माँ बाप को ठोक दिया ना। बेटी, तेरा बाप मरते समय तेरा हाथ मेरे हाथों में सौंप कर गया था। अब तेरी जमीन जायदाद की देखभाल तो हमें ही करनी पड़ेगी ना, जब तक तू 18 साल की ना हो जाए। एक ही बात अब कितनी बार बोलेंगे मामा जी? अरे बेटा, ये हम नहीं, हमारे सर पे जो जिम्मेदारी है वो बोल रही है। लोगों का कहना है कि हम ठीक से तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। आखिर ये सब कौन बोलता है? अपने लोग ही बेटा, अपने ही, उन्हें तो बस बात करने का मौका चाहिए। उस चंद्रमुखी का हमने क्या बिगाड़ा था? वो हमने क्या किया था उस चंद्रमुखी के सामने? राजा साहब जो यज्ञ करते थे वो तुम्हारे पापा ने किया और चंद्रमुखी को कंफ्यूज कर दिया। वो राजा साहब को मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाप ने उसके पुतले को मरवा दिया और चंद्रमुखी को तुम्हारे बाप ने पागल बना दिया। जब चंद्रमुखी को इस बारे में पता चला तो उसने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला और अब वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है ऐश्वर्या बेटा। तो अभी मुझे क्या करना होगा? अब तुम जल्दी से नहाकर पूजा पाठ पे बैठ जाओ, नहीं तो चंद्रमुखी आके तुम्हें मार देगी। जाओ 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 जाओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ तुम, जाओ जाओ। अरे इतनी ही देर में क्या स्टोरी बना दी तुमने। अरे ये मुसीबत अब 18 साल की होने वाली है, अब तुम कैसे भी जंत्र मंत्र करके इस मुसीबत को पागल बना दो बस। अरे मैं उसी काम में तो लगा हूँ, तुम पूजा की तैयारी करो। ओम कालिकाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, चामुंडाय नमः, आम फट ओम फट। बेटी ऐश्वर्या, अब तू देखना उसके आते ही चंद्रमुखी के साथ साथ ये खोपड़ी भी धीरे धीरे उठने लगेगी। गिली 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 फाट, गिली 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 फाट। कुछ हुआ? अभी हड्डी का टुकड़ा भी उठेगा। चंद्रमुखी भाग जा दनादन फटाफट, अब कुछ हो रहा है? ए राक्षसनी चंद्रमुखी, तुझे शांत करने के लिए और हमारी बेटी को मुक्ति दिलाने के लिए अब हम तुझे अपनी बेटी का रक्तदान करने जा रहे हैं। ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अकल वकल है कि नहीं? सूर्या, ये लोग ना मुझे। ऐश्वर्या तुम अंदर जाओ, अंदर लेके जाओ इसे। ऐश्वर्या अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी, मेरे साथ बाहर जाएगी। हमारे जिंदा होते हुए तू लेकर जाएगा इसको? चल तू अंदर, चल अंदर, चल चल जल्दी। आप ऐश्वर्या को रूम में बंद करके उल्टी सीधी पूजा करोगे तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। अगर चुपचाप नहीं बैठोगे तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लो, हम इसके मामा मामी हैं। चल बाहर, गेट आउट। आप लोगों को सबक कैसे सिखाना है ये मुझे अच्छे से पता है। देखा, ये हम लोगों को सबक सिखाने की बात कर रहा है। वो हमें सबक सिखाए, इससे पहले हम ही उसे सबक सिखा देंगे। हाँ।
तो इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री की यही हालत है। यही हालत है मतलब सुपर है और अपना प्रवास है ना। अरे तुम लोग क्लोज फ्रेंड हो, इसका मतलब हर काम साथ में करोगे। क्या बताऊं, दो दिन से जा रहा हूं, ही नहीं रही है। बस इतनी सी बात है, देखो सामने जो वो पेड़ है ना उसके बस तुम लोग चार पत्ते खा लो, सारा डैम खुल जाएगा। अब कोई उपाय बताइए ना, मुझे दो दिन से लूज मोशन हो रहे हैं। तो तू भी वही करना, उस पेड़ से बस चार पत्ते तोड़कर तू भी खा ले, तेरे डैम का दरवाजा बंद हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, दो बीमारी की एक ही दवा। तू भी सही बात बहुत जल्दी पकड़ता है, देख अरे दूध से कॉफी भी बनती है और दही भी बनता है, पर है तो दूध ही ना। चल जा। समझ गया भाई। अरे अप्पू, तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलता है, जल्दी ही तेरी जबान बंद होगी। जब से पैदा हुआ हूँ तब से ऐसे ही चल रही है, इसे बंद करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। थोड़ा इंतजार कर, मैं करूँगा तेरी जबान बंद। हाय। मेरे बारे में सोच रहे हो और मेरे आने की खबर भी नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, अपने रिसर्च के बारे में सोच रहा था। जस्ट किडिंग। आज मैं तुम्हारे रिसर्च के बारे में या मेरे पेड़ पौधों के बारे में नहीं, किसी और बारे में बात करेंगे। तुम अपने बारे में बात करो ना, तुम्हारा कॉलेज स्टडी होने के बाद मैरिज करके सेटल हो जाओगी या फिर जॉब करोगी? पेड़ पौधों को इसलिए ढूंढ रही हूँ ताकि जॉब कर सकूँ। आजकल ना जॉब करने वाली लड़कियों की शादी बहुत ही जल्दी हो जाती है। अच्छा ऐसा सोच रहे हो, लेकिन शादी के लिए जो दहेज लगेगा उसका इंतजाम भी मुझे ही करना है। हो सकता है कि आपके लिए कोई दहेज लेकर आने वाला दूल्हा मिल जाए। ऐसा होगा क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता, अगर वो आपको देख लेना तो अपना सब कुछ न्योछावर कर देगा। तुम भी ना मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हो। अच्छा मेरी बातें करना आप छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा बैकग्राउंड, मेरा फ्रेंड ग्राउंड, मैं एकदम ओपन हूँ। मेरी PhD पूरी होने के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं सेटल हो जाऊंगा। अरे मैं तुम्हारी नौकरी के बारे में नहीं, शादी के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा ये बता, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? ये सच बताऊं या झूठ बता दूं? पूछने वाली बात है, सच ही बताओ। अगर सच सच बताऊं तो मैं बिल्कुल तुम जैसी लड़की चाहता हूं, और अगर मेरी जिंदगी में तुम ही आ जाओ तो मुझ जैसा लकी फेलो और कोई नहीं हो सकता। बेटा इतनी रात गए, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा इसलिए उसका पीछा कर रहा था। मेरे भाई तुम्हें भूतों पर रिसर्च करने के लिए यही जगह मिली है क्या? अरे ये बहुत खतरनाक है, इतनी रात को यहाँ पर तुम बिल्कुल मत घूमा करो बेटा, तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए ये सोचकर मेरा दिल जो है ना थर 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 कांपता रहता है। बेटा रानी साहिबा जो है ना यही भटकती रहती है, वो तुझे कुछ करे इससे पहले तू घर चला जा। अरे अब आपने बोला तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे तू उधर से मत जा, वहाँ पर तेरा बाप जो है ना वो बैठकर दारू पी रहा है, चल इधर से जा। तो मुझे पता है कि इधर से जाना है या उधर से जाना है, आप अपना काम करो जाओ। ठीक है मेरे मालिक, ठीक है, इधर से जाने के लिए कह रहा हूँ तो उधर से जा रहा है। जब रानी साहिबा सामने आएंगी ना तब पता चलेगा। मम्मी भैया आए हैं। सूर्या इतनी रात को, क्या बात है, तुम टेंशन में क्यों हो? कोई अंदर आया था क्या? हाँ कोई गाना सुनाई दिया था? हाँ आया। क्या? कौन आया था? आप आए हैं। बैठो बेटा। बेटा तुम जाकर बिरयानी लेकर आओ भैया के लिए। इस वक्त ये आया है तो तुम्हारे लिए तो नहीं आया? आंटी। अरे बेटा सपना ने बनाया है, थोड़ा खाकर तो देखो। नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए। तो खा लो सूर्या। नहीं 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 खाओ ना भैया। नहीं 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 चाहिए।
सूर्या मैंने बनाई है, तेज तो करो। इसमें तो हड्डियां ही हड्डियां है, मैं नहीं खा सकता। अरे चिकन बिरयानी है तो उसमें हड्डियां तो होंगी ही ना। तुमने बिना खाए ही उसे साइड में कर दिया। बिरयानी तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो क्या है, आज के दिन मैं नॉनवेज नहीं खाता, प्लीज बुरा मत मानना। भैया खाओ ना। बेबी तुम खाओ ना, लो खा लो। अरे भाई कैसे हो बताओ ना। बहुत अच्छा हूँ भाई। वैसे सपना और तेरा मैटर कहाँ तक पहुँचा, रोज मिल तो रहा है ना? अरे यार सपना की तरफ से तो सब कुछ ओके है, लेकिन उसके घर में एक जो बच्ची है ना वो मुझे रोज हॉरर फिल्म दिखा रही है। पहले जानता है क्या हुआ, जूस कहकर मुझे ब्लड दे रही थी, और आज भी जानता है क्या हुआ, बिरयानी के नाम पर मुझे हड्डियां दिखा रही थी। क्या बोल रहा है रे? अरे तूने ये बात अपनी डार्लिंग को बताई कि नहीं? बता दूंगा यार, उसकी कजिन के अंदर भूत है ऐसा मैं उसे बता दूंगा। अरे एक काम पहले कर भाई, तेरी लाइन क्लियर हो जाएगी, और थोड़ा संभल के रहना, टेक केयर। हां ठीक है, बाय बाय। आज सपना को बताना ही होगा। हे सपना। हां क्या बात है, आजकल तुम्हारे चेहरे पर टेंशन के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, क्या हुआ बोलो ना। मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। परसों तुमने बताया कि तुम्हें अपनी बहन की शादी करवानी है, उसके लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हो, और अब अचानक अपने बारे में बात कर रहे हो। ओफो, अपने बारे में नहीं, वेनिला के बारे में। आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ उल्टा ही चल रहा है, हर चीज में जल्दबाजी करते हो। अभी वेनिला की उम्र ही क्या है, 16 साल की तो है, और इतनी जल्दी है उसकी शादी? ओफो, अरे मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात ठीक से सुनो। तुम्हारी वेनिला को वेनिला को क्या बात है, तुम लोग वेनिला के बारे में क्या बात कर रहे हो? तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो, चलो नीचे उतरो। ये क्या है, बाल भी ठीक से नहीं बनाए, भूतनी जैसी लग रही हो, डरा दिया ना उसे। सूर्या तुम कुछ कह रहे थे ना? क्या बात है वेनिला, तुम अचानक यहाँ आ गई? मम्मी ने ये फोन दिया है, इस फोन की बैटरी खराब हो गई है, बाहर जाओगे तो इसे ले जाना और रिपेयरिंग करा के वापस ले आना। वैसे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग शॉप कहाँ है? अरे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप तो एकदम पास में ही है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलो, मैं हूँ ना करने के लिए, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सूर्या, तुम हमारे बारे में कितना सोचते हो। अरे इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है, अच्छा मुझे वो फोन दो, मैं रिपेयर करवा कर लाता हूँ, आप लोग जाइए। मैं भी साथ में चलूंगी भैया। ठीक है तैयार होके आ जाओ, हम लोग चलते हैं। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। या इट्स ओके। शर्मा जी। बोलो। आपका डुप्लेक्स फ्लैट कहाँ पर है? मेरा फ्लैट तो विजयनगर में है। अरे बाप रे बाप, विजयनगर में? इसीलिए इस तरह की फिल्में बनाते रहते हैं, क्योंकि विजयनगर इतना बड़ा शहर है ना, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी इसका बहुत ज्यादा नाम है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा। कौन से पेपर में पढ़ा था? इंग्लिश पेपर में लिखा। अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्यों नहीं आती है? नहीं आती तो नहीं आती। आपको पता नहीं है कि विजयनगर में बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए थे? अरे ग्रेट कृष्णा अप्पू भी वहीं पैदा हुआ था। वो कौन है? मैं हूँ जी, मैं विजयनगर में पैदा हुआ। अरे मैं भी विजयनगर में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी परवरिश नेलूर में हुई, जरा देख के मालिश करना। अरे कितना झूठ बोल रहे हो जी। तो तू कौन सा सच बोल रहा है, विजयनगर में ये पैदा हुआ वो पैदा हुआ, पूरी दुनिया पैदा हो गई, फालतू की बकवास कर रहा है। कोई भी बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ, लेकिन संगीत की पढ़ाई मैंने वहीं पर की थी। और आपने क्या नेल्लूर में सारी पढ़ाई की है? एक बात बोलूं, तू सिर्फ मसाज पे ध्यान दे, दिमाग का दही मत कर मेरे यार। शर्मा जी आपने इतनी बड़ी बड़ी महान महान हॉरर फिल्में बनाई हैं, और तो और करण की जन्मभूमि में पैदा भी हुए हैं। करण भी विजयनगर में पैदा हुआ था? अरे आपने तो मार दिया। करण को मैंने कब मारा? अरे अपनी जुबान से नहीं, काउंटर से मार दिया आपने। तू बहुत मजा किया है। अच्छा ये बताइए शर्मा जी, करण विजयनगर में पैदा नहीं हुआ होता तो उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती, और दान देने के लिए डोनेशन कहाँ से लाता वो? तेरी सेवा से आज मैं बहुत खुश हो गया हूँ, मन प्रसन्न हो गया, अब तू निकल। शर्मा जी बोल। मसाज का अगर कुछ मैं समझ गया, जिम बॉडी। शर्मा जी इसमें से तो बड़ी बदबू आ रही है। शर्मा जी जरा वो मिल जाती तो। ये ले। वैसे शर्मा जी साथ में चखने के लिए लगता है चप्पल निकालनी पड़ेगी। कैसी बातें कर रहा है तू? करण तेरे गांव में पैदा हुआ था? अरे तूने ही बोला था करण विजयनगर में पैदा हुआ, तू ही सवाल कर रहा है? चुप कर, तू समझता नहीं है क्या, मैंने ये बात पीकर बोली थी या पीने से पहले बोली थी? पीने से पहले बोली। जो भी मैंने बिना पिए बोला वो सब कैंसिल। अरे बाप रे। जो भी बोला वो करेक्ट। अच्छा भाई एक बात बता, तू मुझे हॉरर फिल्में बनाकर तू लोगों को डराता है,
और कवच कुंडल पहनकर जिसकी वजह से उसे डोनेशन मिलते हैं वो करंट तुम्हारे गांव में पैदा हुआ ये तू मुझे बताएगा तो मैं मान जाऊंगा क्या? है करंट कहाँ पैदा हुआ उसके जन्म का राज मैं बताता हूँ। इधर आ इधर आ। अरे इधर आ। करण जहाँ पैदा हुआ पला बड़ा और अपनी पढ़ाई उसने पूरी की वो जगह काकीनाडा। अरे क्या समझ रखा है तूने? द ग्रेट पोर्ट काकीनाडा और पूरी दुनिया की इज्जत काकीनाडा, श्री रामदास मोटर ट्रांसपोर्ट काकीनाडा, और अगर एक शब्द में कहूँ तो वो है कोक कैनाडा। ओए तो श्रद्धा के लिए एक बार कोक कैनाडा की जय बोलूंगा। नहीं बोलेगा जय। नहीं बोलेगा जय। नहीं बोलूंगा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू जय बोल। अरे चोट लग जाएगी। मैं डायरेक्टर हूँ यार। मेरी बातों में कोशिश करो। मैं उसी को मारता हूँ। बहुत बेइज्जती करता हूँ। मुझे अपनी फिल्म में रोल भी नहीं दूंगा। अगर आज के बाद तूने उल्टी सीधी फिल्में बनाई तो मैं तुझे छोड़ूंगा। क्या चाहिए सर? ये चार्जर ऐसा कैसे है? ये मल्टीपल चार्जर है सर, किसी भी सेल में लगा सकते हैं इसे। वारंटी है क्या इसकी? इंसान की जिंदगी की वारंटी नहीं है सर। 250 रुपए के चार्जर की मैं क्या वारंटी दूंगा सर? ये फोन ठीक से काम नहीं कर रहा। एक चार्जर के इतने सारे पिंस, इसमें से एक भी काम करता है या नहीं? फाइनल कितने में दोगे? 250 रुपए। अबे वीडियो मेरा क्यों निकाल रहा है तू? अरे जब खरीद रहा हूँ तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना। अरे तो उस तरफ जाकर निकालो ना। सर, यहाँ सर, अरे भाई रख ले, नहीं चाहिए। लेने से पहले चेक तो करूंगा ही ना। सर सर पैक कर दो इसे, पकड़ो। 5,500 का ग्राहक भगा दिया। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। अब आगे क्या होने वाला है भगवान ही जाने। भैया हम लोगों को शाम को फंक्शन में जाना है, आप आकर फोन कलेक्ट कर लेना। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसे 2-4 और आगे तो हो गया। पूरा गांव आतंक से जल रहा है। आगे से बलात्कार, पीछे से रॉबरी और फिर हत्याएं। इन सब से बचाने वाला सिर्फ एक ही है और वो है गब्बर सिंह का भाई रब्बर सिंह। मैंने बोला था डाकू बना दो मुझे, लेकिन पुलिस वाला बना के यहाँ भेज दिया। रोज रोज एक ही डायलॉग सुनकर मेरे कान पक चुके हैं सर, डायलॉग तो चेंज कीजिए। शट अप यू ब्लडी फुल स्टूपिड रास्कल, गेट आउट। सर सर वाह बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है सर। अनर्थ? इस रब्बर सिंह के होते हुए अनर्थ? ए अपना AK-47 लोड करके ले आ। 1,000 आदमी भी होने दे, मैं उन्हें अकेला खत्म कर दूंगा। सर वो लोग गन वन से नहीं मरेंगे। और हमारी गन चलती कहाँ है? ऐसी बात है क्या? तो फिर मिलिट्री को फोन करता हूँ, BSF को फोन करता हूँ। सर क्यों कॉल वेस्ट कर रहे हैं? हर बात में वेस्ट वेस्ट क्या करता है बे? फिर तुम ही लोग कुछ बताओ, कोई आइडिया दो। सर ये लीजिए, इसमें आइडिया है। अबे मैंने ये आइडिया नहीं मांगा, वो वाला आइडिया। सर इस तरह के 2 आइडिया है मेरे पास। नंबर 1 दवा मारनी पड़ेगी, नंबर 2 दारू भी मारनी पड़ेगी। अगर दोनों मिला के मारेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? अच्छा ये बता, ना बुलेट से डरते हैं ना मिलिट्री से डरते हैं, तू किसकी बात कर रहा है? सर चीटी बहुत हो चुकी है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक तू जो बता रहा था वो चीटू के बारे में बता रहा था। पर ये अनर्थ हुआ कहाँ है? सर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने जो टिफिन भेजा था ना उस पे चीटियों ने हमला कर दिया है। अच्छा ये बात है, जरूर उसने खीर भेजी होगी। तू जरा संभाल लेना। दवा मार के ठीक है सर। यही है मेरा गांव रामपुर। सर इसमें भी आपने अपना गांव ढूंढ लिया। चीटियां मारने से पाप लगेगा इसलिए पड़ोसी के घर जाके पौआ मार के आ गया सर। अबे मैंने तुझे चीटियों पे दवा मारने के लिए कहा था, आरोपी के आने के लिए नहीं। पता नहीं रबर सिंह पे कितनी मुसीबतें आने वाली है। गधा कहीं का कहा चुटकी से हल कर देता है, बटन दबाए तो ब्लास्ट कर देता है, आग उठाए तो फाड़ देने वाला, शेर जैसा गरजने वाला रबर सिंह कहा है? कहा है रबर सिंह? हाँ बताओ। सर लगता है आपके बारे में पता चल गया, इसीलिए सेंट्रल से स्पेशल ऑफिसर आपकी इंक्वायरी के लिए भेजा है। स्पेशल ऑफिसर? सर मुझे तो लगता है कि अब आपकी नौकरी गई। लगता है मैं CI आएगा। तू पागल हो गया क्या? सर को इम्प्रेस करने के लिए कोई अच्छा आइडिया बता दे। पैर पकड़ लो, नहीं नौकरी गई। सर सर नमस्ते। आइए आइए आइए। ए कुर्सी लेके आ सर के लिए, कुर्सी लेके आ सर। सर सर बैठिए सर, बैठिए सर। सर के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ, क्या लेकर आता हूं। नमस्ते सर। सर सर आप यहाँ किस काम से आए हैं सर? अरे ओ सूर्या यहाँ क्यों आया है? CI साहब तुम्हारे फ्रेंड है, इनको बोले मुझे छोड़ दे। ए, हमारे स्पेशल ऑफिसर बैठे हैं, जवान संभाल के बात कर, चमड़ी उधेड़ दूंगा। काहे का स्पेशल ऑफिसर, मेरे साथ ब्लैक टिकट बेचता है सर।
आपने इसे कभी देखा नहीं? हाँ, अगर आप ड्यूटी ठीक से करोगे तब देखोगे ना। क्या रे, हमारे सीआई साहब तुझे इतने घटिया और चीप नजर आ रहे हैं? मजाक उड़ा रहा है उनका? भले ही इनको रिकमेंडेशन की वजह से ही पोस्टिंग मिली हो, फिर भी दो फैमिली को मेंटेन करने वाले इंसान है या एक नहीं संभालती है, दो संभाल रहे हैं, समझा तू? बंद कर अपनी बकवास। थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि मेरी फैमिली मैटर में घुस जाता है। मुंह बंद कर। आप जरा खड़े होइए, इसने तो मोजे ही नहीं पहने हैं। क्यों बे, तूने मोजे नहीं पहने थे तभी मैं समझ गया था। कौन है तू, चल बता। मुझे बोलने दोगे तुम ना? मैं चौधरी साहब का साला हूँ, उन्होंने कंप्लेंट देने भेजा है मुझे। अबे कोई आ रहा गहरा कंप्लेंट भेजेगा तो मैं लिख लूंगा क्या? चल निकल। नहीं लोगे आप? नहीं। ओके, इस कंप्लेंट के साथ साथ नोटों की गड्डी भी जा रही है। नसीब अपना अपना, हमारे ऊपर एंथोनी। ठहरो ठहरो, रुको। कंप्लेंट दो और पैसे भी दो, अब मैं देख लूंगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। सूर्य को जेल के अंदर डाल देना। हाँ, कोई भी आता है रबर सिंह बोल के मजाक उड़ाता है। सर। हाँ। सर ड्रॉर तो खोलिए। उसमें किसी की फोटो है क्या? छी छी, ये ड्रॉर। ओ अच्छा, ये अब बंद कर दो। जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है उसे अंदर कर दो। ठीक है, जा। ए, फोन लेकर के बैठा है, इसे लेकर शॉप पे जा सकता है ना तू? अरे बाप रे, ये बात तो मैं भूल ही गया। अरे कहाँ जा रहा तू? सेल शॉप जा रहा हूँ पापा। क्या फोन खराब हो गया तेरा? नहीं मेरा नहीं, उनका खराब हो गया है। किसका? क्यों रे, आजकल तेरे रंग ढंग मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तू शमशान पर जा करके करता क्या रहता है? पागल अगल हो गया है क्या? आपने जो बहुत ज्यादा पी लिया ना, वो उतर नहीं रही है। माँ पापा को अंदर लेके जाओ और सुला दो, बहुत ज्यादा पी लेते हैं ये। ए तू मुझे समझाएगा? मैं दुनिया को समझाता हूँ, ये मुझे समझाएगा? क्या भाई, मोबाइल रिपेयर हो गया? कौन सा मोबाइल सर, रसीद कहाँ है? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, सुबह मैं एक लड़की के साथ आया था और आपको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था, इतनी जल्दी भूल भी गए आप? ओ आपको कैसे भूल सकता हूँ सर, बड़ी मुश्किल से आपने 250 रुपए का चार्जर खरीदा था और आपकी वजह से मुझे 5,500 का नुकसान हो गया था। तो और क्या करता, वो मेरी और उस बच्ची की फोटो निकाल रहा था तो मैं क्या ऐसे चुप बैठता? सर क्या बकवास कर रहे हो, कोई बच्ची नहीं, आप अकेले आए थे। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, यकीन नहीं होता तो वीडियो देख लीजिए, कैमरा देना। ये लीजिए, खुद देख लीजिए। अरे इसमें से बच्ची कहाँ गई? जब बच्ची थी नहीं तो दिखेगी कहाँ से? अरे मेरे साथ बच्ची थी। क्या वो कोई भूत थी जो दिखाई नहीं दी और गायब हो गई? टाइम लगेगा, शाम को आकर ले जाना। सूर्या, सूर्या, भैया कहाँ है बेटी? मुझे नहीं पता माँ। क्या बात है माँ? ये क्या है? ये माँ, वो कल मैं ब्लेड से पेंसिल छील रही थी ना तो मेरी उंगली कट गई थी, तब मैंने भैया के रुमाल से खून साफ किया था, डरने की जरूरत नहीं है। माँ पापा कहाँ हैं? हाँ वो अंदर ही है, तू मिल ले। पापा। हाँ। उस घर में रहता कौन है? अरे मैंने पहले ही बताया था कि उस घर में कोई नहीं रहता है। क्या कोई नहीं रहता? हाँ। अरे बेटा जहाँ पर भूत भूत रहते हैं वहाँ पर इंसान कैसे रह सकता है? कैसी बात कर रहे हो, उस बंगलों में तो मैं रोज ही इंसानों को देखता हूँ पापा। अरे वहाँ पर अक्सर लड़के लड़कियों को लाकर मौज मस्ती किया करते हैं और अपना अप्पू है ना, वो उन्हें 100-200 रुपए लेके बंगला किराए पर दे देता है और वो लड़के लड़कियाँ वहाँ पर क्या क्या करते हैं किसी को नहीं पता, बस तुमने उनको आते जाते देख लिया होगा। कई लोगों को इधर उधर की बातें करने में मजा आता है। लोग कहते हैं कि रानी साहिबा की आत्मा बंगले के आसपास भटकती रहती है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। पापा जो बोल रहे हैं अगर वो सच है तो फिर वो सपना, आंटी और वेनिला।
सपना? सपना मर चुकी है। जिस बंगले को देखा था वो ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, पत्ते तो मैं सपना के लिए लाया था और ये चॉकलेट मैं वेनिला के लिए लाया था। मतलब ये सब आत्माएं थी। ओह गॉड, मिले थे ना, तो अचानक तू मर कैसे गई? ये लोग। अरे तू तो ओरिजिनल भूत नहीं लगती है, क्या कमाल की एक्टिंग करती है। चल छोड़ दे। तूने क्या सोचा था एक्टिंग नहीं कर सकती मैं? ऐसा लग रहा है सीधे शमशान से उठ के आ रही है। मेरी ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट होगी। बाप रे, वाह 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 वाह, पकड़ रे, अद्भुत। अब मेरे हर फिल्म की हीरोइन तू होगी। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद तेरे बगैर कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। अब तो मेरी फिल्म का नाम भी सोच लिया। तू मेरी भूत थी और मैं तेरा भूत। मेरे हाथों से तेरी मौत तो कंफर्म है। यहाँ क्या कर रहा है? अबे तेरी, तू डायरेक्टर है ना? हाँ, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे कोई छोटा मोटा डायरेक्टर मत समझ, एक से एक बड़ी फिल्में बनाई है, समझा क्या? लोकेशन के पैसे दिए अप्पू को। अप्पू को छोड़, अप्पू को यहीं शमशान में दफन कर दूंगा। अब चल भाग यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। घर जा, चल। क्यों क्यों जाऊँ मैं? ए तुम लोग जाओ, जाके तैयारी करो, मैं इससे बात करके आता हूँ। तू इज्जत से बात करना सीख ले, तेरे साथ भी एक दिन फिल्म बनाऊंगा। हाँ बहुत हो गया, चल निकल। सपना, क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? तुम एक आत्मा हो? मुझे माफ कर दो, मैं एक आत्मा ही हूँ, पर मैंने कोई नाटक नहीं किया।
वो मेरी जरूरत थी। जरूरत? किसकी जरूरत? तुम्हारी। एक आत्मा को मेरी क्या जरूरत है? कुछ काम आत्मा नहीं कर सकती, इंसान ही कर सकते हैं। आत्मा जब तक अपना बदला नहीं ले लेती, तब तक वो पुनर्जन्म के लिए इसी तरह भटकती रहती है। तुम्हारी मौत हुई कैसे? मेरे बारे में जानने से पहले मेरे परिवार के बारे में जानना होगा। माँ, पिताजी, मैं, मेरी छोटी बहन, हमारा बहुत खूबसूरत परिवार था। मम्मी, जल्दी आओ ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे सब कुछ तो टेबल पे रखा है, निकाल कर खा ले, मेरा दिमाग क्यों खा रही है? अरे बाकी सब तो रख दिया, लेकिन टेबल पे चावल कहाँ रखे हैं? अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये लो चावल। आप लोग खाना खा लीजिए, लगता है छोटी आ गई है। अच्छा हुआ खाना सर्व करने के बाद घंटी बजी, वरना शायद भूखे ही मर जाते। पेपर बिल है जी। हाँ रुको। अरे ये क्या है, तू पेपर बिल अभी लेकर आया? अभी खाना खा रहे है ना, तू जा बाद में आना। ठीक है साहब। अच्छा हुआ वो पेपर वाले को मैंने प्यार से भेज दिया, अब तो तेरी माँ खाना देगी। माँ जी। अरे खाना खाते समय ये सब क्या है? ये लो, भगवान आपका भला करे। ये क्या सपना, अभी तक खाना नहीं खाया, कह रही थी कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुनिए जी, वो पेपर वाले को मैंने पैसे दिए तो बिल देने के बजाय उसने मुझे आशीर्वाद क्यों दिया? क्या कहा, आशीर्वाद देके गया है? हाँ जी। अरे जो पैसे तुझे पेपर वाले को देने थे वो तूने भिखारी को दे दिए। अरे खड़ी क्या है, बाहर जाके देख कहीं वो निकल तो नहीं गया, जल्दी जाना। अब तक वो वहाँ थोड़ी होगा, वो तो कब का निकल गया होगा। 250 रुपए, गोविंदा गोविंदा हो गया। अरे अरे कम से कम दाल तो दे दे। मम्मी दाल में नमक नहीं है। ये क्या कर दिया तूने, सब्जी में इतना सारा नमक ठूस ठूस के डाल दिया, थू 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 थू। हे भगवान, ऐसा लगता है कि मैंने दाल का नमक भी सब्जी में ही डाल दिया है। आप ऐसा कीजिए ना, दोनों मिलाकर खा लीजिए ना। अरे ऐसे कैसे मिलाकर खाने को कह रही है, क्या दाल में कभी दूध मिलाया जा सकता है और दही के साथ चाय पी सकते हैं क्या? अगर ऐसा किया तो फिर सारे दिन बाथरूम में बैठना पड़ेगा। डैडी अब जाने भी दो ना, एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं। अरे तू सिर्फ एक दिन की बात कर रही है, मैं तो पिछले 25 सालों से एडजस्ट ही करता आ रहा हूँ। लगता है हमारी छोटी आ गई, आप दोनों खाइए। रमैया तुम कैसी हो माँ, कितने दिनों से तुम्हें नहीं देखा। मेरी देखा डैडी, कुछ दिन पहले ही तो मिली थी मम्मी से। अरे बेटा इनका प्यार तो देख, जैसे कोई टीवी सीरियल चल रहा हो हमारी आंखों के सामने। देख तो अब कौन आया बेटा। चक्रधर जी का घर यही है? हाँ। घर पे है क्या वो? हाँ है, अंदर आइए। थैंक्स। डैडी आपसे मिलने को ही आया है। तुम कौन हो बेटे? अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं आपकी कजिन राजेश्वरी का बेटा हूँ। अच्छा तुम राजेश्वरी के बेटे जी, हो? जी अंकल। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी गोपी। बैठो बैठो बेटा बैठो। हाँ बैठो बैठ जाओ यहाँ। रुक्मणी ये मेरी कजिन राजेश्वरी का बेटा है। ये रमैया है, मेरी छोटी बेटी है। हाय। और वो सपना है, मेरी बड़ी Hello. बेटी। हेलो। कितने सालों बाद मिले हैं। वैसे ये बताओ कि अब राजेश्वरी कैसी है? माँ कैंसर की वजह से वो मर गई। कैंसर से मर गई? हाँ अंकल, जब तक वो जिंदा थी यहाँ वहाँ काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे मना करने पे भी नहीं मानती थी। मुझे बड़ा तो कर दिया, लेकिन जब उनके आराम का वक्त आया तो वो मुझे छोड़ के चली गई। हाँ वो बचपन से जिद्दी थी, किसी की सुनती नहीं थी। उसी घमंड की वजह से हम लोगों के बीच दूरी हो गई। आखिर हुआ क्या था? हमारे घर में वेंकट नाम का एक ड्राइवर हुआ करता था। एक दिन राजेश्वरी और ड्राइवर ने शादी कर ली और घर पे आ गए। वेंकट मुझे बड़े भाई की तरह मानता था, लेकिन उसकी राजेश्वरी से शादी में बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी वजह से गुस्से में मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। थोड़े दिनों बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो मैं उन्हें ढूंढने निकला और मैं इससे पहले कि वहां पहुंच पाता वेंकटेश की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। हालात को समझते हुए मैंने राजेश्वरी से कहा, जो हो गया उसे भूल जा, अब हम साथ रहेंगे। लेकिन तेरी मां ने मेरी बात नहीं मानी, वो वेंकट की मौत का जिम्मेदार मुझे मानती रही और मुझसे दूरियां बना ली। राजेश्वरी को मैंने बहुत समझाया लेकिन वो बहुत जिद्दी थी, उसकी जिद के सामने मैं हार गया और कुछ भी नहीं कर पाया।
मैं उसे हमेशा छोटी बहन की तरह मानता था पर उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद वो कहाँ चली गई, कहाँ रहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता। माँ ने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया बस उसी की वजह से वो हमेशा तकलीफ में रहती थी। अंकल जी मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो एक बार आपको देख ले, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। माँ की गलती के प्रायश्चित के लिए मैं जिंदगी भर आपकी आपकी सेवा करूंगा अंकल। मरते वक्त मैंने अपनी माँ से ये वादा किया था अंकल। इस तरह से वो हमारे घर में घुसा और एक दिन रात को कौन है? क्या हुआ अंकल जी? पता नहीं दरवाजे की घंटी बज रही है, इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूँ अंकल जी। गोपी, चिल्लाना बंद करो नहीं तो गला काट दूंगा। तुम ठीक तो हो ना? अंकल मुझे माफ कर दिए, मुझसे बच गए। तुमने मेरी जान बचाई, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊंगा बेटा। थैंक यू सो मच। इस तरह से एक हादसा होते होते बचा। क्या चाहिए सर? जाके दो कॉफी लेके आओ। ठीक है सर, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। थैंक यू। हेलो। हेलो, कहाँ पर हो? स्वागत होटल के बाहर, जल्दी आओ। ओह, मैं अंदर ही हूँ, अभी आती हूँ। क्या हुआ सपना, किसका फोन है? नहीं कुछ नहीं, तुम कॉफी पियो, मैं अभी जाकर आती हूँ। ओके। हेलो गोपी, कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट के बाहर हूँ, तुम बाहर आ जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा हूँ, लगता है भूल गई। हेलो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें दे दिया, फिर क्यों फोन कर रहे हो मुझे? तेरी खूबसूरती की कीमत सिर्फ 10,000 नहीं, कम से कम 1,00,000 रुपए है। शट अप, 1,00,000? प्यार से स्टूपिड भी बोलोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी खूबसूरती सारी दुनिया को दिखा दूंगा। तुम पागल हो क्या? पैसों के लिए एक लड़की की जिंदगी से खेलोगे? मैं तुम्हें देख लूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती सपना, पैसे तो तू कमा सकती है, लेकिन अगर वो वीडियो तेरे माँ बाप ने देख लिया तो? दीदी, अरे दीदी क्या हुआ? दीदी क्यों रो रही हैं आप? प्लीज बताओ ना दीदी, क्या बात है? ये क्या है दीदी, बताओ ना मुझे। मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी ने ये वीडियो उस वक्त बनाया था जब मैं ड्रेस चेंज कर रही थी, मुझे नहीं पता किसने कब बनाया, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। आज सुबह एक रेस्टोरेंट के बाहर मैं उससे मिली और उसे 10,000 रुपए दिए। उसने कहा था पैसे देने के बाद वो मेमोरी कार्ड दे देगा, आप डरो मत दीदी। मेमोरी कार्ड देने का वो 1,00,000 रुपए मांग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप टेंशन मत लो दीदी, टेंशन कैसे ना लूं, अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। परेशान मत हो दीदी, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो दीदी, आप समझाइए ना इनको। हाँ सपना, मेरे रहते क्यों डर रही हो तुम? अगर तुमने मुझे रेस्टोरेंट में ही बता दिया होता तो कल ही मैं उसे जान से मार देता। लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, दूध पियो और सो जाओ, वो जो भी होगा मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वैसे भी कल अंकल भी तो वापस आने वाले है ना। गुड नाइट, डरो मत और सो जाओ। हाँ Thank you.
कितनी बार तुम्हें बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना। गोपी तुम अभी तक जग रही हो, क्या हुआ? गोपी वो ब्लैकमेलर कौन है मैं उसे जानती हूँ, वो वही है। कौन है, कौन है, कौन है वो? बोलो ना। उस दिन हमारे घर में जो चोरी के इरादे से आया था, जिसने डैडी को मारने की कोशिश की थी और तुम बीच में आ गए थे, वो वही है, मैंने उसे पहचान लिया है। वन मिनट। फोन क्यों काट रहा है गोपी? तुमने जैसा बोला था वैसा ही किया ना मैंने। तुमने जो वीडियो शूट किया था वो सपना को भेज दिया था ना मैंने, और अब पैसा मांग रहा हूँ तो देने में आना का नहीं कर रहा है। हमारी दोस्ती से बड़ा अब तेरे लिए पैसा है? तू जैसा बोल रहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ ना। तूने बोला 10,000 मांग तो मैंने 10,000 मांगे, फिर बोला 1,00,000 तो मैंने 1,00,000 मांगा। तू बाकी का पैसा क्यों नहीं दे रहा है? मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं सपना की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब तू सोच ले कि आगे क्या करना है। मुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर मेरा पैसा समय से नहीं मिला करो। तो मैं पूरा सुन लो, पूरा आराम से सुनो। ये वीडियो पुलिस में ले जाकर दे दूंगा और बता दूंगा कि ये वीडियो तूने शूट किया था, समझा? तू बाय। तू कितना गिरा हुआ इंसान है। मुझे माफ कर दो सपना, मुझे माफ कर दो, सॉरी सपना। तूने सोचा मैं यही बोलूंगा? भूल जा, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को तू जान गई है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरी माँ ने जानती हो मुझे यहाँ क्यों भेजा है? तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार का नाश करने के लिए भेजा है। ओए, ओए, रुक जा। तेरी तो आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए, कहाँ बच के जाएगी? तेरी तो जाति कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन तू मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएगा। रमैया, रमैया, उसको उठाने की कोशिश कर ले वो नहीं उठेगी, क्योंकि तुमने जो दूध पिया है उसमें मैंने नींद की गोलियां मिला दी थी। मैंने सोचा था तू पी लेगी लेकिन तूने नहीं पिया, इसलिए तू आज मरेगी। तेरी तो आने वाली अमावस्या तक मैं तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारे वजह से मेरी माँ मर गई, अब तुम्हें भी मरना होगा। अब मेरे हाथों से तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। इस तरह उसने मुझे मारकर मेरी लाश को पंखे से लटका दिया। सबने सोचा कि ब्लैकमेलर की ब्लैकमेलिंग की वजह से डिप्रेशन में आकर मैंने सुसाइड कर लिया, और सबने यकीन भी कर लिया।
और फिर ताकि मैं अपने ही घर में ना घुस सकूं, उसके लिए उसने गघोरी की मदद से मेरे ही घर में शुद्र पूजा करवाई। ओ, ग्रेम, ग्रेम, पाट। ओ, कालिकाय नमा। सामने वाला घर है ना? तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। ओम धाकनी ढाकनी कामिनी, ओम शुद्ध देवताय नमः। ओम ये भभूत लो बेटा, और पलट के मत देखना। घर के सारे सदस्यों को दे देना, उसके बाद कोई भी प्रेत आत्मा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। पीछे देखे बिना सीधे चले जाओ। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है सपना, लेकिन ये मेरी किस्मत है कि तुम मुझे देख सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। मुझे लगा कि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। तुम्हारे अंदर प्यार की उम्मीद जगाकर मैं तुम्हें भ्रम की दुनिया में ले गई। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो वही करता। अब बताओ मुझे क्या करना है। उसने कहा था कि अमावस की रात को वो मेरे परिवार के सभी लोगों को खत्म कर देगा। उसे रोकने के लिए तुम्हें कुछ करना ही होगा। तुम्हारे परिवार को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब उसका क्या करना है वो मैं खुद कर लूंगा। सीआई साहब, दिखाई नहीं देता क्या? सर नमस्ते। सर डायरेक्ट पॉइंट की बात करो। सर सत्यवती रात को मुझे बहुत मारती है सर। हाँ, ये सत्यवती कौन है? तुम्हारे एरिया की कोई गुंडी है क्या? नहीं सर। फिर? मेरी बीबी है सर। बीबी मारती है तो कोई कंप्लेन लिखवाता है क्या? शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी बात नहीं है सर। तू अपनी तकलीफ हमारे सीआई साहब को बता रहा है, लेकिन हमारे सीआई साहब अपनी तकलीफ किसको बताएंगे? सेम टू सेम। तुम्हारी बीवी तो तुम्हें सिर्फ रात को ही मारती है, लेकिन इस महान की बीवी इन्हें रात दिन मारती है। नो हॉलीडेज। अबे सुन, मेरी बीवी क्या करती है उस बारे में उसने पूछा था क्या तुझसे? नहीं सर। दोबारा बोला तो ड्यूटी जंगल में लगवा दूंगा। सर चुपचाप खड़ा रहे। सर सुनो, वहां जाके अपनी कंप्लेन लिखवा दो, जाओ। ठीक है सर। सुनिए जी, सूर्या कहाँ है? अरे वो तो सुबह ही चला गया, मुझे क्या पता कहाँ पर होगा। फोन करके पता कर सकते हो ना? राजू भाई, तुम्हारे बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर गए। हाँ? सीआई ने कहा है आपको बता दूँ। ठीक है। सुनिए जी, उसको पुलिस वाले क्यों लेकर चले गए? अरे वो वीर राजू का काम होगा, मैं एमएलए साहब को लेकर के जाता हूँ, छुड़ा कर लाता हूँ। सर 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 प्लीज सर, मुझे छोड़ दो ना, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। Mind your own business. अरे मैं तो अपना बिजनेस ही कर रही थी, आप लोग ही मुझे यहाँ पर अरेस्ट करके लेकर आ गए। तू कोई रॉयल फैमिली से है क्या जो रबर सिंह इज्जत से लेके आएगा? मेरी ड्यूटी मेरी माँ है, बोल बे। समझे? कुछ गड़बड़ करने वाली है सर। ए रबर सिंह, तू अपने आप को कितना भी बहादुर बता, पर तेरी बीवी डे एंड नाइट तेरी धुलाई करती है ना। इसे कैसे पता? मुझे नहीं पता सर। ए, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? चंबलपुर के रबर सिंह से। यहाँ पर सिंह और घर में चूहा। Shut up! पता है रब्बर सिंह को कैसा होना चाहिए? गब्बर सिंह के जैसा। रिश्वत लेकर उस बेगुनाह सूर्या को लॉकअप में डाला है तूने। चल अब जल्दी छोड़ उसे। ना तुझे छोड़ूंगा ना उसे छोड़ूंगा। तेरी किस्मत, तेरी नौकरी, सब कुछ छीन लूंगी। ए लेडी कांस्टेबल, अब फटाफट तू निकाल दे। मुझे शर्म आ रही है सर। अरे उन्हें लॉकअप से निकालने के लिए बोलो, चल जा। लॉकअप से? ओके सर। और समझी, चल जा। ए जितने भी रावड़ी है सब एक तरफ हो जाओ, और पुलिस वाले एक तरफ हो जाओ। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, सब लोग बैठ जाओ। मैडम,
अब आगे क्या करोगी? खाना चखने से पहले ही टेस्ट जानना चाहते हो, बस देखते जाओ। ए, अब तुम लोग अपना टैलेंट दिखाओ कि मेरा मन खुश हो जाए। मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। सर हाँ, आप दबंग के हीरो से भी खतरनाक पुलिस वाले हो, आपका पावर सबको पता है। आपका नाम सुनकर क्रिमिनल अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। सर तू सुपर है, ए छोड़ दे इसे। सर थैंक यू सर। सर मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोल। इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट करने के लिए 100 लोगों को भेजिए सर, एक ज्यादा होगा चलेगा, 100 से कम नहीं। ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। सर ये तो उसी फिल्म का है। ए इसको लॉकअप में डाल, डायलॉग चोरी करके बोल रहा है। अरे पहले जिस कैदी को बाहर भेजा वो कौन सा उसका अपना डायलॉग था? अच्छा वो किस फिल्म का डायलॉग था? वो उसका नहीं था सर। ए, उसको भी लॉकअप में डालो। वो तो कब का चला गया सर? ओ, मुझे कंफ्यूज मत करो, कोई अच्छा डायलॉग बोलो, अच्छा डायलॉग बोलो। सर पीने के लिए कुछ मंगाऊं क्या? तू सस्पेंड। सॉरी सर। देवदास बारो का भाग, रामदास भगवान का भाग, कालीदास काली का भाग, और सीआई साहब कानून के भाग, न्याय के भाग, एक नंबर के ईमानदार है। तू बैठ जा बैठ जा। राजपूत आन पर मरता है या बांध पर, ये तुझे समझ में नहीं आएगा। ये डायलॉग तेरे ऊपर सूट नहीं करता, तू मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ जा। अच्छा नेक्स्ट। मैं बोलू क्या सर? हाँ बोलो 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 बोलो। देखने में चिरंजीवी, पावर में पवन कल्याण, बातों में महेश बाबू, इमोशनल में एंटीआर, और शेर की तरह गरजने वाले रणवीर सिंह की तरह आप बाजीराव है सर। इसे छोड़ दे यार, मैं ऑलरेडी बाहर ही हूँ सर। तो फिर इसे अंदर कर दे। अब मजा आया तुम्हें? जाओ। अरे अरे डायलॉग अब बंद करो यार। अब गाना गाओ रे। खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा, मेरा यहाँ कोई नहीं, जेब में जो कुछ डालेगा। अरे रुक, तू फिकर क्यों करता है, मैं देता हूँ ना, ले खुश रह, ठीक है ना, खुश रह खुश रह। एक है नहला और दूसरा दहला, जिंदगी में क्या रोना है। अरे ये फोटो आईडी दे, दे ना। मतलब मेरी बीवी पहला और मैं नहला हूँ? हाँ सर। गया बेटा। नहीं अब सर, सॉरी सॉरी सर। सब पागल हो गए हैं। थैंक्स सपना, अगर तुम पुलिस स्टेशन में आकर मेरी मदद नहीं करती तो मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आ ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच। थैंक्स की जरूरत नहीं, तुम अपनी समस्या से बाहर आओगे तभी तो मेरी समस्या का हल निकालोगे। तुम्हारी समस्या और मेरी समस्या के अलावा अंकल की बेटी ऐश्वर्या की भी समस्या है, पहले उसके मामा को सबक सिखाना होगा। तो चलो पहले उसे ही सबक सिखाते हैं। ओम कालिकाय नमः, कालिकाय नमः। जैसे रोज पूजा करती हो ना वैसे आज भी पूजा करना। ठीक है, अभी और कितने दिन चलेगा मामा जी? जब तक तेरा पागलपन खत्म नहीं हो जाता है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुन रहे हो ना, इसको हमारी आधी बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब हमारा आधा काम हो गया। ये क्या बोल रही हो? लगता है पागलपन की शुरुआत हो गई है, तुम चाल रहे हो? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है बे बुड्ढे? चल मंत्र पढ़। ओम तमन्नाय ओम मनुष्काय ओम प्रभासाय ओम राणाय ओम राजामौली। ओम तमन्नाय ओम मनुष्काय ओम प्रभासाय ओम राणाय ओम राजामौली। मंत्र पढ़ रहा है या बाहुबली की कास्टिंग का नाम ले रहा है? मंत्र नहीं आते क्या वीरभद्र सिंह? अपने मामा का नाम लेकर बात कर रही है ऐश्वर्या? सुनो जी, ये तो सच में पागल हो गई है। मुझे भी लग रहा है। ए, अब इस खोपड़ी को उठा तू। पहले तू अपनी आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद कर ली तो खोपड़ी उठेगी या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? देख क्या रहा है, जल्दी से उठा उठा। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है रे वीरभद्र सिंह? उठा रे। तुम अगर ऐसे मारोगी तो कैसे उठेगी? तो नहीं मारोगी। खोपड़ी उठा उठा। खोपड़ी मुझसे नहीं उठेगी। कैसे नहीं उठेगी, मैं उठाती हूँ इसे। देख। आ, 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 आ,
मुझे तो ये कुछ और ही दिखाई दे रही है। तू हमारी बेटी ऐश्वर्या ही है ना? मैं ऐश्वर्या ही हूँ, प्रूफ दूँ क्या? लगता है ये कोई भूत नहीं है। क्यों रे, तुम लोगों को मेरी जायदाद चाहिए? बेटी जायदाद नहीं, बस 25 लाख रुपए दे दो। क्या कहा बुढ़िया, 25 लाख चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी जान बख्श दो बेटा, हमारी जान बख्श दो। तूने सूर्या को पुलिस से पकड़वा कर बहुत गलत किया। मैंने कोई गलत नहीं किया। हाँ, गलत किया। तूने गलत किया, अब उससे माफी मांग। हाँ, माफ़ करो। चलो, ठीक है, चलो, चलो। बेटा हमें माफ कर दो। क्या हुआ, आप लोग दोनों घुटने के बल क्यों बैठे हुए हैं? सूर्या तुम कब आए? हम लोग तो अभी आए हैं बेटी। बेटा अगर तुम हमें माफ कर दोगे तो हम काशी चले जाएंगे। चलो गंगा में नहाकर पाप धो लेते हैं। चलो चलो, चलो। रुक जा, रुक। रोज आधी रात को तो शमशान में आकर यहाँ वहाँ भटक कर लोगों को परेशान क्यों करता है? रुक, रुक जा। क्या हुआ बेटा? उसे पकड़िए। अरे अरे, उसे उसे जाने दे, कुछ मत कहे उसे। वो मंगला का बेटा है। अपनी माँ के मर जाने के बाद वो अक्सर यहाँ उसकी समाधि के पास माँ 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 कहके घूमता रहता है। उस पर तू ज्यादा ध्यान मत दे बेटा, जा। हाँ ठीक है। अरे शर्मा, अभी तक तुमने जो भी फिल्में बनाई हैं, उनको साइड में रख दो और सूर्या की लव स्टोरी बनाओ। अच्छा? वो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, तेरी लाइफ बन जाएगी। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया, इसके साथ लव स्टोरी नहीं, आत्माओं की फिल्म। आजकल ये आत्माओं के साथ घूमता है, मैंने खुद देखा है, शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, घर के अंदर, घर के बाहर। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ के देख लो। अरे तुम लोग सपना के बारे में क्यों बात कर रहे हो? उसने सुन लिया ना तो उसकी आत्मा तुम्हारी बैंड बजा देगी, रियल हॉरर फिल्म बना देगी। आत्मा सुनेगी तो हमारी वाट लग जाएगी। अरे शर्मा, वो क्वार्टर रखा है ना, उसमें थोड़ा सोडा डाल, थोड़ा पानी डाल, और उसको गपा गप पी जा। उसके बाद इसको पता चलेगा आत्मा कैसी होती है। अगर ये उसे छोड़ भी देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसे मैंने घाट घाट का पानी नहीं पिलाया तो कहना। हाँ सही बोला तू, मैं आत्माओं से डरने वाला नहीं हूँ। आत्माओं से मिलने के लिए ये खंडहर क्या, मैं तो कब्रिस्तान के अंदर भी घुस जाऊँ। तू डर सकता है, मैं नहीं डरने वाला। आज तू देखना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तारों के लिए पानी तो कम नहीं पड़ जाएगा ना। अरे कौन है, किसने दरवाजा बंद किया? हवा। अच्छा हवा, लगता है हवा से दरवाजा बंद हो गया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुर्सी पे तो कोई है नहीं, फिर हूँ कौन कर रहा है? लगता है कोई रस्सी से बांध के इसे हिला रहा है, लेकिन यहाँ कोई रस्सी तो दिख नहीं रही। फिर ये कैसे हिल रही है? हवा, हवा का झोंका आया था, हवा खेल खेल रही है मेरे साथ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ज्यादा हंसूंगे तो उतर जाएगी, जल्दी से पी लेता हूँ, चिप्स खाता हूँ। मेरा मजाक उड़ा रहा था, पास आ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं बस कॉमेडी कर रहा था। हम भूतों पर पिक्चर बनाता है तू। अरे नहीं नहीं, मैं क्या, मेरा बाप भी फिल्म नहीं बनाएगा? हमको घाट घाट का पानी पिलाएगा तू? अरे मेरी तो मती मारी गई थी, मेरी बात को दिल से मत लगाओ आत्मा जी। आ जा पासा। रुको मैं लोरी गाता हूँ। तू ही मेरी माता, तू ही पिता है। मैं भाई बहन का एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाता हूँ। भैया मेरे राखे का बंधन कौन। मैं डांस भी जानता हूँ। डिंक चिका 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 डिंक चिका ला 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 ला। अरे टन 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 टन। ए डिंक चिका चिका। पास आना। क्या बोला? मैंने जो कुछ भी बोला अनजाने में बोला, जानबूझ के कुछ नहीं बोला दीदी। तूने बोला था कि क्वार्टर लेकर आऊंगा, क्या हुआ तू यहाँ डांस क्यों कर रहा है? सपना से बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा सपना, वो आत्मा से क्या? देख तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है मेरे भाई। है? अगर आत्मा के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो तेरी वाट लगा देगी। अरे आत्मा मेरी वाट क्या लगाएगी, मैं उसकी लगा दूंगा।
अभी उसको पता नहीं है असली मर्द से पाला पड़ने वाला है। एक बार सामने आ गई ना तो आत्मा को फिर से शरीर में डाल दूंगा। कमी बोल। अरे पिछवाड़े में करंट जैसी फीलिंग आई यार। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही तुम लोगों पे उल्टी सीधी फिल्में बनाता रहता है। ए प्रसाद, अगर तू चाहता है मैं तुझे माफ करूं तो इस शर्मा को मार। ये क्या इतने प्यार से? चले धरा पास बुला के क्या करना चाहती है? दिरे जा। अरे शर्मा, अगर इधर रहेंगे तो भाभी हमको मार डालेगी। भाग लेते हैं। अरे निकल 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 यहाँ से। चल। हो गया ना? डाउट्स क्लियर हो गए? तो बताओ क्या सीख मिली इन चीजों से? हमें ये सीख मिल गई है कि मरने के बाद भी औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वरना वो हमारी बाट लगा देगी। आत्मा भी इंसान की तरह होती है भैया। एकदम करेक्ट। हम जाते हैं। हाँ ठीक है, जाओ निकलो। भैया भैया भैया, वो काला सा मोटा सा अपना अप्पू है ना, वो बहुत ओवर एक्टिंग करता है, उसे जरा हाय हेलो करा देना। गुरु मैंने थोड़ा सा लिया है, आपको ज्यादा दिया है। आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए। अरे अप्पू गुरु, आजकल देख रहा तू ज्यादा ही बोलने लगा है। चमत्कार गुरु, बात करने के लिए शिष्य तो होना चाहिए ना। अरे मैं तो ऐसा चेला हूँ जो गुरु को भी मात दे दूँ। अरे क्या सोच रहा है तू? ऐसा कुछ भी नहीं गुरु, पूरे गांव में इस समय बात चल रही है आपके बेटे और उस भूतनी के बारे में। दोनों आपस में मिलते हैं और फिर बातें भी करते हैं, लोकल लोगों की बातें। सर आपका क्या कहना है गुरु? मेरे गिलास में दारू ज्यादा डाला है। गुरु आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन है वहाँ? कौन है? अप्पू। हाँ गुरु। अरे कोई तो ऐसी फिल्म है जिसमें संजय दत्त को महात्मा गांधी दिखते हैं। है ना गुरु, और बिल्कुल ऐसी एक और फिल्म कल रात मैंने टीवी पर भी देखी थी, उसमें जो हीरो है ना उसे हीरोइन की आत्मा दिखाई देती थी। वाह क्या गुरु, देखिए ना आपकी छड़ी कितनी डिजाइनदार बनाई है। ये भी ना तेरे दिमाग की तरह बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। हाँ बोलिए गुरु। कुछ नहीं, हमारे गुरु जी ने हमें बताया है हमारे बेटे की कुंडली में लिखा है कि उसको आत्मा दिखाई देगी। ए अप्पू, आजकल तू ये फैन वैन साफ नहीं करता है? हैं? कैसी बातें कर रहे गुरु, पिछली शिवरात्रि को ही तो सफाई की थी, इतनी जल्दी धूल भी जम गई। गुरु एक बात तो मैं आपकी मानता हूँ, आपने मुझे अपने बेटे की तरह माना है बिल्कुल, इसीलिए अपने हाथों से दे रहा हूँ आपको, एक सांस में कटक जाइए। मेरे सामने ओवर स्मार्ट बन रहा है, मैं तुझे दिखाता हूँ। गुरु आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं, अगर आत्मा आकर पूछेगी आपके बेटे से शादी करना चाहती है तो आप हाँ बोलेंगे या ना कहेंगे? अरे पागल, आत्मा भी कभी शादी करती है क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग गुरु, आपको याद है पिछले साल हम लोगों ने वो धार्मिक पिक्चर देखी थी, कितनी अच्छी थी, उस फिल्म में उसके हीरो ने हीरोइन से शादी नहीं कर ली थी क्या? अरे पागल, वो देवी देवता थे और ये आत्मा है, उससे उनका लिंक बैठाएगा तो कैसे चलेगा? ये बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है गुरु, ये झगड़ा वगड़ा हम क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उसी आत्मा को यहाँ पर बुलाकर उसी से पूछ लेते हैं ना। ठीक है, तेरी टेंशन दूर हो जाएगी। जरूर बुलाऊंगा, आज फाइनल हो जाना चाहिए। बुलाओ। अरे आत्मा बेटी जरा तुम इधर आ जाओ हमारे पास, फिर चले जाना। आजा आजा। अरे पिताजी के सर पे पट्टी कैसी, क्या हुआ है? बेटा फैन इनके सर पर गिर गया, शुक्र मनाओ कि इनकी जान बच गई, और अब तो धीरे धीरे परिस्थिति भी बिगड़ती जा रही है, मुझे लगता है हमारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अरे क्या बात कर रही हो, तुम भी कौन सी बात लेकर के बैठ गई हो? तुम चुप करो जी। अरे उस दिन वो मंदिर में हमें स्वामी जी मिले थे ना, उन्हें ढूंढ कर ले आ बेटा, वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है मैं अभी लेके आता हूं। बेटा तुमने बोला और वो जा रहा है, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी, वरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी, ओम श्री सूर्य पुत्र नमः, पवन पुत्र नमः, केसरी नंदन नमः। नमस्ते स्वामी जी। क्यों बेटा, तुम्हारे घर की परिस्थिति तुम्हें यहाँ तक खींच लाई? हाँ स्वामी जी, आपने जो बोला था उससे भी ज्यादा घर की परिस्थिति और बिगड़ती जा रही है।
क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी माँ ने आपको मुझे बुलाने के लिए भेजा है स्वामी जी। ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे पिता का किया धरा है, उसी दिन मैंने बताया था। मेरे पिताजी ने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। कोई कितना भी समझदार हो लेकिन उसके कर्म का फल तो उसे मिलता ही है। अब तो बस वो परमेश्वर ही जल्द ही कुछ ना कुछ करेगा। हम कौन होते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। क्या कहा, कर्म का फल? लेकिन मेरे पापा ने तो कोई भी गलती नहीं की है। गलती हुई है ना, बताता हूँ। तुम्हारे पिता के हाथों धोखा खाकर एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी और आज उसी औरत की आत्मा भटक रही है। तुम्हारे पूरे घर को मुझे एक बार देखना होगा। समझ गया स्वामी जी। एक बात और, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर भी किसी आत्मा की दृष्टि है, तुम्हें संभल कर रहना होगा बेटा। तो अब चले स्वामी जी। ठीक है तो तुम जाओ, मैं आता हूँ। जय वीर हनुमान। अरे ऐसी क्या जगह पर लेकर आ गए तुम, इधर तो कुछ भी नहीं है। देखा तो नहीं। देखो प्यारी सरोज, मेरे गुरुजी और मेरे पीने की ये परमानेंट जगह है, अड्डा है। लेकिन अपने गुरु से छुपाकर मैं कभी कभी यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम रख लेता हूँ, सीक्रेट है। अब एक काम कर, जल्दी आ, तेरे से ज्यादा पैसे देने वाला कस्टमर वेट कर रहा है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा स्पीड में है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे किसी और को बुलाना होगा। मैं एक मिनट में आता हूँ, रुको। अरे बाप रे, इसे झेल नहीं पाऊंगा मैं तो। ए क्या कर रहा है? ए इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है तू? क्या साहब, आपको कोई और काम धंधा नहीं है क्या? तू नहीं सुधरेगा। सपना जाओ, उसका भी कल्याण कर दो। Nobody can stop me. अब तेरा काम हो जाएगा सरोज। सरोज। मुझसे पहले कोई आ तो नहीं गया यहाँ पे? Wow, what a sexy body. I am also ready. रुको। चल खड़ा हो। सरोज तुम आखिर ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था मेरी जान। क्या कहा, क्या कर रहा है तू? वो क्या कि बदन थोड़ा गर्म हो रहा है ना। मेरी गर्मी उतारू क्या? दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश आई है बस। अब तक ऐसी कितनी ख्वाहिशें आई हैं? बहुत ज्यादा की है मैंने। सूर्या की फैमिली के साथ क्या किया तूने? कुछ नहीं, बस कंकाल वगैरह डालकर जलाकर डराने की कोशिश की थी मैंने। क्यों किया ऐसा? मैं उनको डराऊंगा तो वो डरकर भाग जाएंगे, मैं उस घर पर कब्जा कर लूंगा, थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी मुझे। गलत किया तूने। गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। खुद को थप्पड़ मार। Why not? ऐसे नहीं। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। क्या बोल रहा है तू? मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, तू होश में तो है ना? जरा सोच कर बताइए पिताजी। इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा, मेरी शादी होने से पहले की बात है, लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? उसी का प्रभाव अब हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है, बताइए क्या हुआ था? तुम्हारी माँ से शादी करने से पहले मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ हालातों की वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पाया। क्यों, अभी वो कहाँ पर है? जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली तो उसको पता चला और वो मुझसे सवाल करने लगी और कहने लगी कि मुझे और मेरी बेटी को अपने परिवार में मिला लो, मगर मैं उस वक्त बहुत मजबूर था, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे समझने के लिए थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोचूंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ को मनाकर उसे अपने परिवार में मिलाने के लिए बड़ी उम्मीद लेकर मैं उसके पास गया था, और तब जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, उसने अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था कि अपना दर्द किसको बताऊं, उस दिन से लेकर आज तक अंदर ही अंदर घुट रहा हूं, किसी को कुछ नहीं कह पा रहा हूं, बस अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा हूं। पापा, उसकी फोटो है क्या आपके पास? होना तो चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने
कहीं रखी तो थी, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है मैंने। चलो देखते हैं। बजरंग बली की जय, अंजनी पुत्र की जय, जय वीर हनुमान, जय बजरंग बली, जय जय बजरंग, जय वीर हनुमान। घर में जो भी अपशकुन हो रहा है उसकी वजह ये फोटो है। मेरी फोटो? आखिर मेरी फोटो में ऐसा क्या है? सबसे पहले इस फोटो को तोड़ डालो। फोटो को तोड़ना पड़ेगा? तोड़ो इसे। पर क्यों? सब कुछ इसके अंदर है, जल्दी से तोड़ो। ठीक है स्वामी जी। तकारा हिकारा तकारा हिकारा जकारा हिकारा जकारा करा भाट हुम भाट हुम भाट। माँ इस फोटो को देखो, ये तुम्हारी फोटो के पीछे थी। ये किसकी फोटो है? यही है सुधा रानी, तुम्हारी माँ के फोटो के पीछे मैंने रख दी थी। अब तक मुझे क्यों याद नहीं आई ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं अभी आता हूँ। सपना सपना, हमारे घर में जो अपशगुन हो रहा था उसकी वजह कौन है पता है तुम्हें? पता है, मेरी आंटी सुधा रानी। मतलब वो भी? आत्मा ही है। मैं तुम्हारी मदद के लिए उस बंगले में आई थी। तुम्हारे पिताजी की गुरु महादशा के हटने तक मेरी आत्मा और आंटी की आत्मा उसी बंगले में रहेगी। हमारे अलावा उस बंगले में और कोई नहीं रह सकता। तो फिर वो बच्ची कौन थी? सुधा रानी की बेटी, वो भी आत्मा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उससे मेरे पिताजी को बचाना होगा, उनको समझाओ ना। वो कोशिश तो मैं कब का कर चुकी हूँ सूर्या, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बदले की आग में जल रही है। इस मुसीबत से निकलने का कोई तो रास्ता होगा? मैं जैसा बोलूं वैसा ही करोगे तो शायद हो सकता है। तो बताओ क्या करना है? जिस बेटी के बाप का नहीं पता, उस बेटी के साथ समाज में जीना आंटी के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी कुछ दिनों तक उन्होंने सहन किया, पर वो जहाँ भी जाती आस पड़ोस के लोग उन्हें ताना मारते थे। वनिला का बाप कौन है ये किसी को बता नहीं पाई, इसलिए उन्होंने वनिला के साथ आत्महत्या कर ली। अभी वो कहाँ होंगी? अभी वो बदले की आग में तांडव कर रही होंगी। गुरुजी ये सब क्या है? ये पूजा क्या है? ये पिंडदान क्या है? ये फोटो क्या है? इस फोटो की औरत कौन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। इस फोटो में जो है वही है सुधा रानी, राजा साहब की पोती यही है। मैं पहले इन्हीं से शादी करने वाला था जो नहीं हुई। ओहो, तो यही बोझ आज तक आप अपने दिल में बैठाए हुए थे। अब आप पिंडदान कीजिए। ओम शांति 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 शांति। आप यहाँ पानी चढ़ाइए। ओम शांति शांति। आप नमस्कार कीजिए। मैंने तुम्हें मंगलसूत्र तो नहीं पहनाया, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पत्नी से कम नहीं माना। ये मीनाक्षी है, इनके पिता का एहसान है मुझ पर। इनके परिवार का मेरे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार था, और एक हादसे में इनका परिवार चल बसा, और मैं इनकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली। मैं जब इन्हें समझा कर तुम्हारे पास आ ही रहा था, तब तुमने जल्दबाजी में फैसला करके आत्महत्या कर ली। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। दीदी हमें माफ कर दो, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हें अपना परिवार बचाना होगा। तुम चाहे जहाँ भी हो इस पिंडदान को स्वीकार करके शांत हो जाओ और हमें अपना आशीर्वाद दो। यजमान इस सारी सामग्री को नदी में विसर्जित कीजिए। जरा संभल के जाइएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। थैंक्स सपना, तुमने इस समस्या का सही सॉल्यूशन दिया। अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। मदद के लिए धन्यवाद सपना। मदद तो अपनों की ही की जाती है ना सूर्या। अब गोपी मेरे हाथों से बचेगा नहीं। कितनी बार तुझे बोलूं मेरे पास पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। तुझे रोका किसने है? चला जा। पैसे नहीं मिले तो तेरे अंकल के पास जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। कितनी बार बताया लेकिन तुम कभी टाइम पे नहीं निकलती हो। अरे गोपी क्या बात है, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है अंकल जी। कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं आंटी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो क्या है अंकल, मेरा एक दोस्त साइकेट्रिस्ट है, उसके पास एक पेशेंट ट्रीटमेंट करवा रहा है। उसके ट्रीटमेंट के लिए वो उसे हमारे घर भेज रहा है, बस हमें मिल करके उसकी हाँ में हाँ मिलाना होगा। मतलब हमें नाटक करना है जी? ओ, बस इतना ही क्या? देखो अगर एक मेंटल पेशेंट की कंडीशन ठीक हो सकती है तो हम लोग नाटक जरूर करेंगे। बचपन से नाटक करता आ रहा हूँ मैं। अच्छा पेशेंट का नाम क्या है ये बताओ? रवि।
रवि तुमने नाम बता दिया ना, बस अब मैं सब देख लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तुम और रमैया मिलके कॉलेज जाकर फीस भरो और जो बगल वाली बिल्डिंग है ना उसकी पूरी डिटेल्स निकाल कर लाना, ठीक है ना? अब मैं जाता हूँ, ओके बाय। यस। देखो बाबा जी के बारे में पेपर में लिखा है और आयुर्वेद के बारे में भी, ठीक हो जाएगा वो। सर चक्रधर राव जी। यही लगता है। करेक्ट। बैठो बेटा, बैठो जी। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, रवि है। मेरा नाम रवि नहीं है, सूर्या है। हाँ? सूर्या हो या रवि हो मतलब तो एक ही है ना। हाँ, ठीक है। आजकल मैं भूतों पर और प्रेतों पर बहुत गहरा रिसर्च कर रहा हूँ। तो तुम्हें ऐसा कब से लग रहा है कि तुम रिसर्च कर रहे हो? अरे कब से लग रहा है का क्या मतलब, मैं तो आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। क्या है वो? आपकी बेटी सपना ने, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है। हत्या? हत्या की है? किसने बोला? सपना ने बोला। कब बताया? मरने के बाद। इसका पागलपन कुछ ज्यादा ही है। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? कुछ नहीं बेटा, हमारे घर के पीछे एक तख्ता है वो टूट गया तो उसके बारे में बात कर रहा था मैं। वो सिर्फ सपना को ही नहीं बल्कि आप तीनों को मारना चाहता है। कौन? गोपी। गोपी? अच्छा गोपी। वो रमैया कहाँ है? रमैया और गोपी कॉलेज की फीस भर के बगल वाली बिल्डिंग में जो फ्लैट बिक रहा ना उसकी रेट पता करने गए, आ जाएंगे। उसके साथ क्यों भेजा सर? ठीक है रमैया का नंबर दीजिए मुझे। रमैया का नंबर 9393515555 ये है। ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग संभल कर रहिएगा। ठीक है बाद में मिलते हैं सर। ये क्या, आपने रमैया का गलत नंबर क्यों दिया? अरे ये पागल है क्या, मैं पागल को अपनी बेटी का सही नंबर दे देता? पर मुझे लगता है कि वो लड़का पागल नहीं है। तेरे खाली दिमाग में भी सिर्फ भूसा ही भरा हुआ है, कॉफी में शक्कर डालने के बजाय नमक डाल देती है। अब जरा इसे पढ़ के देख इसमें क्या लिखा हुआ है। हेलो, तुम बहुत ही मुसीबत में हो, उसने तुम्हारी बहन को मारा है और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है, तुम्हारे वुमेन्स कॉलेज के बगल की पुरानी बिल्डिंग में मारना चाहता है। तुम उसको अपनी बातों में उलझा कर रखो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो तुम लोग? मेरा नाम रवि है। तुमको क्या चाहिए? जिस रवि के बारे में बताया था मुझे वो रवि यही लगता है। अभी तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है। तो तुम लोगों को क्या चाहिए? मैं वो ये निशान लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। उस दिन हम ही लोग चोरी करने आए थे सर। तो अब क्यों आए हो तुम लोग? उस दिन आपके घर में डकैती और आप पर अटैक करने के लिए हमें गोपी ने ही बोला था, उसने ही आपकी बड़ी बेटी को मारा है और अब वो आप लोगों को मारना चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसने कहा अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा है। तो ये बात तुम अब क्यों बता रहे हो? अब वो हमारा हिस्सा नहीं दे रहा इसलिए हमारा उसका झगड़ा हो गया, ये बताने आए हैं। अब चलते हैं। आखिर हमने गोपी का क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारी बेटी सपना को मार डाला? शांति रखो रुक्मणी, मेरी बेटी को मारने वाले को मैं भी जान से मार दूंगा। तुम्हारी मौत की वजह के बारे में अब पता चला, उसको मारने के बाद मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। क्या हुआ, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? अंकल ने इस बिल्डिंग की डिटेल्स लाने को कहा है, चलो अंदर चलते। ये तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, भूत बंगले की तरह दिख रही है, मुझे डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ, यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं हूँ, किस बात का डर यार? मुझे छोड़ो गोपी जी। अरे आओ ना, जाने दीजिए प्लीज गोपी जी प्लीज। अरे आओ ना यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या, तुम सिगरेट भी पीते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही है, रुकना, छोड़ो मुझे। अभी तो बहुत काम बाकी है तुझसे। तो ये है तुम्हारी असलियत, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तेरी दीदी को भी बहुत घमंड था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और तेरी दीदी के पास भेज दूंगा। Oh!
सूर्या, उसे तू नहीं मारेगा, मैं मारूंगा। पर मैंने तो गोली नहीं चलाई, तो फिर किसने चलाई? अरे सीआई साहब, आप तो सस्पेंड हो गए थे, तो यहाँ कैसे? अरे मुझे फोन करोगे तो मैं ही आऊंगा ना। मैंने फोन आपको किया था? 9393515555 ये मेरा नंबर है। आंखों के सामने अन्याय होता देख के रब्बर सिंह ने आंखें बंद करके गोली चला दी। निशाना कैसे लगा पता नहीं। आपने किसे गोली मारी है पता है आपको? क्या बोल रहे हो, कहीं मैंने किसी गलत आदमी पे तो गोली नहीं चला दी? अरे बाप रे सर, सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, लगता हूँ बहुत बड़ा आदमी है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है तुमने किसको मारा? पता है सर? नहीं पता। उसका संबंध इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग से था। मैं तुम्हें पोस्टिंग नहीं दे रहा हूँ सर, 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 सर। पोस्टिंग के साथ प्रमोशन भी दे रहा हूँ। वेरी गुड एसपी, वेरी गुड, आई लाइक यू, आई लव यू डार्लिंग। सर, गुड इवनिंग सर, आप कब आए सर? चुप रहो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। सर, 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 सर। मेरे परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद। तुमने जो एहसान किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है सपना। तुमने मेरे पिताजी को बचाया, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? कौन है सपना? वेनिला की आवाज है। तुम्हारे पिता को उसकी माँ ने तो माफ कर दिया, पर वो माफ नहीं कर पा रही। उसे पता चल गया है कि तुम्हारे पिताजी ही उसके पिता हैं, और वो उनसे बदला लेकर ही रहेगी। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है, इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही समझ में नहीं आ रहा। डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी अभी अभी श्राप मुक्त हुए हैं, आने वाली अमावस्या तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसके बाद तुम उन्हें कैसे बचा सकते हो ये तुम्हें सोचना होगा। तुम्हारी वजह से मेरा बदला पूरा हुआ, अब इस जन्म में तुम ऐश्वर्या के साथ खुश रहो। मेरा फिर से जन्म हुआ तो तुमसे जरूर मिलूंगी। बाय। तुम्हें मेरी माँ ने माफ तो कर दिया है, लेकिन मैं तुम लोगों को कभी भी माफ करने वाली नहीं हूँ। तुझे मैं कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। मैंने क्या किया है? जो कुछ भी किया है वो तो पिताजी ने किया है, और उन्होंने माफी भी मांग ली। सूर्या, तुम्हें तो दूध पीना चाहिए, पर पता नहीं तुम किससे बातें किए जा रहे हो। तुझे और तेरे बाप को मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। ओ, पहली नजर में ही दिल लगा, जादू तेरा मुझ पे है चला, इश्क में तेरे दिल लगा, तेरी ओर खींचा मैं चला, प्यार हुआ मुझको जानम तुमसे, प्यार हुआ मुझको जानम तुमसे। दिल तू मेरा ये ले गई, दिल तू मेरा ये, दिल तू मेरा ये ले गई, दिल तू मेरा ये। पहली नजर में ही दिल लगा, जादू तेरा मुझ पे है चला, ला ला ला, इश्क में है तेरा दिल लगा, तेरी ओर खींचा मैं चला।